चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पिछली बार जो है आज हम काफी इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे। एक तो गैल्वेनोमीटर पढ़ना है हमें, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, एंड कोशिश करेंगे कि कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्ट मीटर भी आज ही बता दूं। ठीक है, कोशिश करेंगे। ये इनके एप्लीकेशन है, इसके ध्यान देना। मैंने आपको बताया था एक करंट कैरिंग कॉइल जो है एक मैग्नेट की तरह काम करती है। ठीक है, और अगर एक करंट कैरिंग कॉइल को आप कहाँ रख दो, एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दो, तो उसमें टॉर्क लगती है, उस पर टॉर्क लगेगी। ठीक जो कि बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब आप जो कि बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे कि जब आप इलेक्ट्रिक डायपोल को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते थे तो उस पर टॉर्क लगती थी, पीई साइन थीटा, पी क्रॉस ई। वैसे यहाँ पे भी वही होगा, बिल्कुल एज इट इज होगा। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की वजह की जगह बस क्या आ जाता है, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। तो जो लगती है टॉर्क वो होती है एम क्रॉस बी। ठीक है, तो डायरेक्शन आपको पता ही है, राइट हैंड थंब रूल से हम निकाल देते हैं, और उसका मैग्नीट्यूड होता है एम बी साइन थीटा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि आपको डायपोल मूवमेंट निकालना ना चाहिए, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट निकालना ना चाहिए। एक बार मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट निकालना सीख गए तो काम खत्म है आपका, और कुछ बचता नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए। फाइंड आउट द मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ऑफ फॉलोइंग करंट कैरिंग लूप ऑल्सो फाइंड आउट द टॉर्क एक्टिंग ऑन द लूप इफ प्लेस्ड इन इफ प्ले चलिए बताइए कितनी टॉर्क लगेगी। पहले डाइपोल मूवमेंट बताओ, डाइपोल मूवमेंट
कौन बताएगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना है? 8π × 10⁻⁴ है ना, आइए। हाँ तो नंबर ऑफ टर्न्स नहीं दे रखी तो ऑब्वियस सी बात है वन लेनी है, ठीक है, until unless it is not given, ठीक है, तो आई ए हो जाएगा, ठीक है। कौन बताएगा डायरेक्शन? ऊपर कौन सा पोल आने वाला है? नॉर्थ। नॉर्थ, और नीचे साउथ आएगा, तो मेरे ख्याल से मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऊपर की तरफ होगा, यानी कि जेड एक्सिस के क्या बस हो गया, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा आई एरिया पाई आर स्क्वायर, ठीक है, दैट कम्स आउट टू बी 8π × 10⁻⁴ के क्या एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका डायपोल मोमेंट, ठीक है, दिस इज द डायपोल मोमेंट। टॉर्क, टॉर्क होता है एम क्रॉस बी, एम है 8π × 10⁻⁴ के कैप, बी कितना है बताएगा कोई वेक्टर फॉर्म में? 4k कैप, 4j कैप, हाँ सर, मल्टीप्लाई कर दो 32π × 10⁻⁴ तो बाहर आ गया, ठीक है, के क्रॉस जे कितना होता है बताएगा कोई? 9 कैप, आई कैप, माइनस आई कैप की आई कैप, माइनस आई कैप, बहुत बढ़िया। तो टॉर्क आ गया आपका −32π × 10⁻⁴ आई कैप। तो ये रोटेट करेगा, ध्यान देना, अगर आपसे कोई पूछ ले कि ये रोटेट किस डायरेक्शन में करेगा तो इट विल रोटेट अलोंग दिस एक्सिस, ध्यान देना, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, बना दे रहा हूँ, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा भी। और कौन बताएगा ये ऐसे रोटेट करेगा कि ऐसे रोटेट करेगा? एम बाहर की तरफ आ रहा है, एम क्रॉस बी करके देखो, एम क्रॉस बी देखिए, एम है ऊपर की तरफ, एम और बी है इधर, एम क्रॉस बी मतलब ये ऐसे रोटेट करेगा, दिख रहे क्लॉकवाइज, हाँ मतलब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्टली तो पता नहीं चल पाएगा, ठीक है, लेकिन हाँ कुछ चीजें आप बता सकते हो कि ये एटलीस्ट इस तरीके से रोटेट करेगा, ऐसे रोटेट करेगा, ठीक है, इस तरीके से। तो जब आप यहां से देखोगे, इस तरफ से देखोगे, तो आपको क्लॉकवाइज दिखेगा, ठीक है, बात समझ में आई क्या? ऐसे रोटेट करेगा, देखिए यस, कौन बताएगा पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? मैक्सिमम होगी, जीरो होगी कि मिनिमम होगी? क्या थी पोटेंशियल एनर्जी? −m·b, जीरो होगी सर, जीरो होगी, साफ साफ पता चल रहा है ना, एम बी कॉस थीटा है डेफिनेटली, बट एम डॉट बी कर लो, है ना, एम डॉट बी, तो −32π × 10⁻⁴ ये तो आने वाला है, लेकिन यहां आ जाएगा के डॉट जे, बट के डॉट जे क्या होता है? जीरो होता है, जीरो आ गया, डायरेक्टली आ गया, कुछ नहीं है, जीरो जूल आ गया, समझ में कि नहीं आया? यस सर, चलिए इसमें बी पार्ट अब देखिए, बी पार्ट कैसा है, कुछ नहीं है, ऐसे ही क्वेश्चन बनते जानते हैं, ठीक है ना, कुछ नए क्वेश्चन नहीं बनते हैं, ये सोचो कि कुछ नए क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे ही हैं क्वेश्चन, अभी देखिए जितने टाइप के बन सकते हैं एक ही मैं करवा देता हूँ, ठीक है,
लूप देखिएगा आप कैसी है, देखिए लूप कैसी है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ढंग से देखना। कौन मुझे बताएगा ये लूप कैसी है, दिख रही है सभी को? स्क्वायर लूप, इट इज अ स्क्वायर लूप बट मेकिंग सम एंगल विद एक्स एक्सिस, विद एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस बोल सकते हो, ठीक है। ये एंगल 30 डिग्री दे रखा है, 30 नहीं 37 डिग्री ले लो। करंट इसमें ऐसे फ्लो कर रहा है, देखिए Yes. ठीक है, करंट फिर से कितना है 2 एम्पियर, ठीक है। इसका साइड दे रखी है, ये साइड दे रखी है 2 मीटर, और नंबर ऑफ टर्न्स भी ले सकते हो, नंबर ऑफ टर्न्स मान लीजिए 100 दे रखी है, ठीक है। अब याद रखिए मैग्नेटिक फील्ड कहां पे, मैग्नेटिक फील्ड देखिए कहां पे, मैग्नेटिक फील्ड है एक्स डायरेक्शन में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है एक्स डायरेक्शन में, अगेन 4 टेस्ला। सर आपसे फिर से वही, यस बोलिए सर, पोटेंशियल एनर्जी जीरो क्यों आई समझने आया सर? पोटेंशियल एनर्जी जीरो इसलिए आई क्योंकि दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है। डायपोल मोमेंट कहाँ आ रहा है, देखिए बाहर की तरफ आ रहा है, ये देखिए बाहर की तरफ आ रहा है ना डायपोल मोमेंट, मतलब के एक्सिस की डायरेक्शन में आ रहा है, ऐसे जेड एक्सिस की डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, कितना एंगल है 90, कॉस 90 कितना होता है, जीरो होता है, जीरो, एम बी कॉस थीटा ही होता है ना, तो एम बी कॉस थीटा यानी कॉस 90 जीरो आ गया, डायरेक्टली आ गया। यस सर, चलिए अब बताइए इसका आंसर, पहले तो बताइए मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, सबसे पहले बताओ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, एन आई ए, कितना आ रहा है 800, एन आई ए, इसमें यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है, सब एम के एस में दे रखी है, कितना आ गया 800, बहुत बढ़िया 800 न्यूटन मीटर, बहुत बढ़िया। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डायरेक्शन, देखिए वहां डायरेक्शन निकालने की कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि या तो डायरेक्शन जेड में आ रही थी, यहां देखें यहां कितनी आ रही थी, यहां पे भी यहां पे माइनस जेड में आ रही थी, लेकिन यहां इट विल मेक सम एंगल विद दी, कुछ एंगल बना रही होगी, ठीक है ना, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि अब कैसे निकालें, तो जरा ध्यान से समझना। कौन मुझे बताएगा कि अगर मैं इधर से देखूं ऐसे करंट कैसे फ्लो कर रहा है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो जब मैं, मेरी आंखें इस तरफ है, ध्यान देना इस तरफ, इधर है मेरी आंखें, तो ये क्लॉकवाइज कर रहा है, तो यानी कि यहां होगा साउथ और पीछे की तरफ होगा नॉर्थ, ठीक है। अब ध्यान देना थोड़ा सा, मैं ऊपर से देख रहा हूँ, ऊपर से देख रहा हूं, जब मैं ऊपर से देखता हूं तो मुझे एक चीज पता चलती है, क्या जब मैं ऊपर से देखूंगा, ध्यान से समझना इस चीज को, ये है एक्स एक्सिस, ये है जेड एक्सिस, देखिए जरा ये जेड एक्सिस है और वाई एक्सिस ऊपर की तरफ आ रही है, दिख रहा है सभी को? यस सर। और जो लूप है वो कुछ ऐसे बनी हुई है, देखिए जरा लूप है यहाँ पे, ये लूप है, ठीक है ना, ये जो बनाई है इसे अलग कलर से शो कर देता हूं, ये लूप है बेसिकली, ऊपर से देखोगे तो लाइन की तरह दिखेगी लूप, ठीक है।
ये है आपके लिए। कौन बताएगा इसका डायपोल मोमेंट किस तरफ है? देखना जरा, मैं बता रहा हूँ डायपोल मोमेंट किस तरफ है, समझने की कोशिश करना इस चीज को। जब मैंने यहां से देखा था तो यहां आ रहा था साउथ, यहां आ रहा था नॉर्थ। आ रहा है समझ में? यस सर। तो डायपोल मोमेंट किस तरफ होगा? इस तरफ साउथ होगा कि नहीं? यस सर। तो इसे ट्रांसलेट कर लो, इसे ट्रांसलेट करके यहां ले आओ, ऐसे ऐसे ले आया। ये एंगल है 37 डिग्री। कौन मुझे बताएगा ये एंगल कितना होगा? अगर कैलकुलेशन कर सकते हो तो बता दो। सैंतीस है कि 53? ये है 90। ऑब्वियसली बात है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट परपेंडिकुलर होता है लूप के, ठीक है ना? लूप के प्लेन से बाहर आता है, तो ये आएगा 53 और ये आ गया 53। हो गया मेरा काम। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड पता है हमें, इसके कंपोनेंट्स क्या होंगे? ये क्या होगा? कॉस कंपोनेंट होगा। देखिए मैं फिर वही बता रहा हूँ, आप बोलोगे कि सर इतना बड़ा क्यों कर रहे हो आप? अब तो आपको डायपोल मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल पता चल गया ना, तो आप टॉर्क तो वैसे ही निकाल सकते हो। तो मैं बोलूंगा डेफिनेटली टॉर्क जो है मैं अभी भी निकाल सकता हूँ, मुझे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है टॉर्क निकालने की। देखिए हो गया टॉर्क निकालने का। मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट इधर है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है? एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। ये देखिए दिया हुआ है ना मैग्नेटिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में, 4 टेस्ला। ठीक है, तो जो टॉर्क हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 800 इंटू 4, दोनों के बीच में कितना एंगल है? 53। तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड तो एकदम ही निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितना आ गया? 53 कितना होता है? 4/5। तो हो गया मेरा काम। जो टॉर्क निकली वो आई 16 इंटू, ये जाएगा कितने से? 160 से। हो गया मेरा काम, बिल्कुल सही है, ये मैग्नीट्यूड निकला। लेकिन अब डायरेक्शन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, दिख रहा है ना डायरेक्शन। इसलिए मैं क्या करता हूं कि बेटर ये है कि मैं वेक्टर फॉर्म में निकाल लूं। वेक्टर फॉर्म में निकालूंगा ना तो बहुत इजी हो जाता है, डायरेक्शन निकालना बहुत इजी हो जाएगा। या तो आपको वेक्टर फॉर्म में पूछा जाएगा, वेक्टर फॉर्म में ही पूछा जाता है एक्चुअली, ठीक है। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट को वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ, ध्यान देना। वेक्टर फॉर्म में क्या होगा कि दोनों चीजें होती हैं, डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी हो जाता है। देखिए ध्यान देना, ध्यान से समझना इस चीज को। मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट का ये कंपोनेंट 800 cos 53, ये है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में आई कैप, और जो साइन कंपोनेंट है वो किस डायरेक्शन में है बताएगा कोई? ये हो गया एक्स कंपोनेंट और ये हो गया ना वाई कंपोनेंट, ध्यान देना साइन कंपोनेंट किस डायरेक्शन में, माइनस जेड एक्सिस। तो वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, इजी हो जाता है अपने लिए, सारा काम जो है इजी हो जाएगा। कॉस 53 कितना होता है? 3/5। एंड साइन 53 कितना होता है? ये माइनस आ जाएगा बीच में, ठीक है। कितना है बताएगा कोई डायपोल मोमेंट वेक्टर फॉर्म में? ये कितने से जा रहा है? 480 आई क्या? और ये कितने से जा रहा है? ये भी 160 से जा रहा है। 160 इंटू 4 640, ठीक है। आया समझ में कि नहीं आया? यस सर। तो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट वेक्टर फॉर्म में इतना है, ठीक है ना, वेक्टर फॉर्म में इतना है। और अगर आप इसे जो है इसका मैग्नीट्यूड निकालते हो तो मैग्नीट्यूड 800 आ जाएगा, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैग्नीट्यूड आपको निकालना आता है, इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करना है, ऐड करके रूट ले लेना। टॉर्क अब देख लीजिए, टॉर्क होगी
आई जे के एम क्रॉस बी, तो एम के कंपोनेंट आ जाएंगे पहले 480 जीरो माइनस 640, फिर बी के कंपोनेंट आ जाएगा। बी किस डायरेक्शन में, बी तो एक्स डायरेक्शन में ही है और बी का जो एक्स कंपोनेंट है वो 4 है, तो ये 4 हो गया 0 0। देखिए कितना है, अगर आप आई लेते हो तो 0 आ जाएगा, आई के साथ आई का कंपोनेंट, आई का जो कोफिशिएंट है वो 0 आ जाएंगे। जे लोगे तो जे के कंपोनेंट आ जाएंगे, देखिए जे के कितने आ रहे हैं, देखिए जरा जे के कितने आ रहे हैं, जे का कितना आएगा 4 × 640, दिख रहा है सभी को? यस सर। ओके, और के का भी 0 आ रहा है, बस हो गया आंसर 640। कितना आया 64 × 4 2560 सर, नेगेटिव साइन भी आएगा ना? नेगेटिव नहीं आएगा ना, प्लस होता ना, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस होता ना सर, बीच में माइनस होता है। हाँ देखा नहीं मैंने। माइनस साइन आएगा, बस हो गया। तो टॉर्क किस डायरेक्शन में, नेगेटिव वाई एक्सिस, माइनस जेड डायरेक्शन में, माइनस वाई डायरेक्शन में, मतलब ये रोटेट होगा, ध्यान देना ये रोटेट होगा इस डायरेक्शन में, टॉर्क है, ध्यान देना ठीक है। और अगर आप इसे छोड़ दोगे तो अगर आप समझ पा रहे हो तो ध्यान देना, ये मैं दिखा रहा हूं, ये ऐसे रोटेट होगा एम क्रॉस बी, तो ये ऐसे रोटेट होगा, ऊपर से देखो कैसे रोटेट होगा, ऊपर से जब देख रहे हो ऐसे रोटेट हो रहा है, यानी कि क्लॉकवाइज, यानी कि ऊपर से जब आप देखोगे तो ये क्लॉकवाइज रोटेट होगा, यानी कि ऐसे रोटेट हो रहा होगा, ऊपर से देखोगे, ऊपर से देखने पे ऐसे रोटेट हो रहा है क्लॉकवाइज। समझ में आ गया? यस सर। तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया ताकि आपको डायपोल मूवमेंट और समझ में आए कि डायपोल मूवमेंट निकालते कैसे हैं, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा और, मैं और थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से समझना है। ये सी पार्ट है, ये मैं एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी क्वेश्चन वहीं पे होंगे, एक ही करवा रहा हूँ, ठीक है ना, तो ढंग से समझना इस चीज को। अब जरा लूप देखिएगा कैसी बना रहा हूँ, लूप ना एकदम सिंपल दिखने वाली लूप नहीं है, तो ढंग से देखना लूप कैसी। ऐसी लूप है, कौन बताएगा क्या किया मैंने इसमें, क्या करवाया था कभी मैंने ऐसा कुछ? करवाया था कि नहीं, ये क्वेश्चन करवाया था मैंने, जेई में करवाया था कि ऐसी लूप थी। यस सर। और उसको बोला था बीच में से क्या कर दो, 90 डिग्री टर्न कर दो, तो अभी भी तो लूप ही रही है ना, अभी भी लूप है, ठीक है ना, ध्यान से समझना इस चीज को, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड अगेन 4 टेस्ला, जो कि एक्स डायरेक्शन में, हर बार एक्स डायरेक्शन में नहीं होगी, कोई भी आर्बिट्री डायरेक्शन ले सकता हूं, ठीक है ना। आप बोलोगे सर हर बार आप एक्स डायरेक्शन में ले रहे हो, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड ऐसी दे दी, चलिए मैग्नेटिक फील्ड 4 टेस्ला हटा देता हूं, मैंने मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसी दे दी, ऐसे दे दी, देखिए
ये समझ में आ गया क्या है? ये समझ में आया क्या किया मैंने? ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये किस प्लेन में लाई कर रही है? एक्स वाई प्लेन में लाई कर रही है। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कैसे भी दी जा सकती है, तो आपको समझना है वैसे इस चीज को, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो लूप है इसमें करंट फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर, ठीक है। और इसका जो ये वाली साइड है ये एक ऊपर स्क्वायर लूप है, ध्यान देना, ऊपर भी एक स्क्वायर लूप बन रही है, स्क्वायर है, ठीक है ना, 2 मीटर, ये भी 2 मीटर है, ऊपर भी स्क्वायर है जो एक्स वाई प्लेन में, और नीचे भी वाई जेड प्लेन में भी, एक्स जेड प्लेन में भी स्क्वायर। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि सबसे पहले तो आप ये निकालिए, पहला 3 चीजें निकालनी है आपको, क्या? पहला मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, दूसरा टॉर्क एक्टिंग, एंड तीसरा पोटेंशियल एनर्जी। ये 3 चीजें निकालनी है। सबसे बड़ा काम है आपका मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट निकालना, ठीक है। अब आप बोलोगे सर इसमें मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट कैसे निकाला जाए, तो बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है। मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट कैसे निकाला जाए, निकालने का तरीका बता रहा हूँ, ढंग से समझ लेना। क्योंकि जेई में क्वेश्चन करवाऊंगा तो ऐसे अलग अलग कन्फिग्रेशन के मैं लूप्स बनाते रहूंगा, ठीक है ना। और ये आया भी हुआ है, इसी साल आया, ध्यान देना जेई में, ठीक है ना। आप बोलोगे कि सर बोर्ड में कैसे आएंगे, तो बोर्ड में ध्यान देना, बोर्ड में यहाँ पे ये लेवल पे खत्म हो जाता है बस, और कुछ नहीं, ठीक है। ये खत्म हो गया, अगर ये चीज समझ में आ गई है तो बोर्ड के क्वेश्चन आप कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट निकालना, टॉर्क कितनी लग रही है, सब आप कर सकते हो, ठीक है। इसमें देखिए क्या होगा, चलिए कैसे करें। तो आपको एक चीज ध्यान देनी है, जहां पे जैसे अगर आप ढंग से देखोगे तो जो लूप में करंट जा रहा है ना, वो ऐसे जा रहा है, देखिए ऐसे होता हुआ, ऐसे होता हुआ जा रहा है। किसी को याद है, मैंने आपको, जब मैंने आपको इलेक्ट्रिक डायपोल करवाया था तो मैंने आपको कॉम्बिनेशन ऑफ डायपोल बताया था, याद है किसी को? यस, अरे भाई याद है, कॉम्बिनेशन ऑफ डायपोल याद है किसी को? डायपोल्स के कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस करवाए थे। यस सर, करवाए। क्या बताया था मैंने उसमें, जब कॉम्बिनेशन ऑफ डायपोल आता है तो मैंने क्या बताया था सर? एक नेगेटिव और एक प्लस वाला कॉम्बिनेशन मिलेगा आपको, जो है पूरे डायपोल को, जो बड़ा डायपोल है उसको छोटे छोटे डायपोल्स में तोड़ना होता है, ठीक है। हर एक छोटे डायपोल का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालोगे और सबका निकाल के वेक्टोरियली ऐड कर दोगे। यहाँ पे भी आपको यही प्रोसेस करना है। आप क्या करोगे, ये जो लूप है ये 2 छोटी छोटी लूप का कॉम्बिनेशन है। अगर आप देखोगे कैसे, ध्यान से समझना, ये जो बीच में ना, यहाँ पे कोई वायर नहीं है, ध्यान से समझना इस चीज को मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ वायर है नहीं, आप एक वायर लगा दो। अगर आप ढंग से देखोगे तो ऊपर वाले लूप में जो करंट जा रहा है ना, वो ऐसे जा रहा है, देखिए दिख रहा है सभी को? यस सर, ऐसे जा रहा है। तो मतलब ऊपर वाली जो लूप है उसकी वजह से, अगर यहां पे वायर लगा होता, अगर यहाँ पे वायर लगा होता, ध्यान देना, ये जो नीले कलर का वायर लगा रखा है मैंने, जो हाइपोथेटिकल वायर है, उसमें करंट फ्लो कर रहा होता कहां से कहां तक, लेफ्ट टू राइट, समझ में आ रहा है? अगर ऊपर वाली लूप को देख रहा हूं तो ऊपर वाली लूप मैं कनेक्ट कर दूं इस वायर से, तो आपको पता चलता है कि इस वायर में ऊपर वाली लूप की वजह से जो करंट फ्लो कर रहा है वो होता है लेफ्ट टू राइट, और कितना फ्लो कर रहा होता है 2 एम्पियर। ये चीज समझ में आई? यस सर। बट अगर नीचे वाली लूप देखूं तो देखिए क्या हो रहा है, देखिए
नीचे वाली लूप का जो करंट है वो मैं अलग कलर से शो कर देता हूँ ताकि समझ में आ जाए। चलिए देखिए, नीचे वाले लूप में जो करंट फ्लो कर रहा है वो जा रहा है S से, तो अगर यहाँ फ्लो करवाओगे तो ऐसे जाएगा। दिख रहा है सभी को? हाँ सर। तो ये भी कितना कर रहा होता? 2 एम्पीयर कर रहा होता। अब जरा मुझे बताओ क्या हो रहा है, ये जो बीच वाली लूप है, जो बीच वाला वायर लगा है, उसमें ऊपर वाली लूप की वजह से जो करंट है वो कर रहा है लेफ्ट टू राइट, बट जो नीचे वाली लूप रखी है एग्जैक्ट प्लेन में उसकी वजह से कर रहा है राइट टू लेफ्ट, और उतना ही कर रहा है 2 एम्पीयर। तो क्या ये एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसल आउट कर दोगे। तो वायर लगा भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ में आया कि नहीं? वायर आपने लगा भी दिया तो आपको ऐसा लगेगा उस वायर में कोई करंट फ्लो ही नहीं कर रहा है। ध्यान से समझना है चीज को, मतलब अगर आप यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा दोगे तो गैल्वेनोमीटर कितनी रीडिंग देगा? 0। बात समझ में आई? यस सर। तो बट इससे मेरा एक फायदा हो गया, इससे पता चला कि एक ऊपर वाली लूप बन रही है और एक नीचे वाली लूप बन रही है, तो ऐसे तोड़ लेना, 2 लूप्स में तोड़ लेना, ठीक है ना? समझ में आ गया? यस सर। तो 2 लूप ऐसी बन गई, ऐसी 2 लूप बनी। अब मुझे बताओ ऊपर वाले में, ऊपर वाले का जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट है वो आप अलग निकालो और नीचे वाले का डायपोल मूवमेंट अलग निकालो, इन दोनों को वेक्टोरली ऐड कर देना, आपका नेट डायपोल मूवमेंट आ जाएगा, ठीक है ना? अच्छा, अब ऊपर वाली में देखो, ऊपर वाली लूप में देखो, जो वाई जेड प्लेन में कैसे करंट फ्लो कर रहा है, फ्रंट साइड से देख रहे हो तो कैसे करंट फ्लो कर रहा है? क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या हो गया? नॉर्थ, और पीछे की तरफ देखोगे साउथ। कौन बताएगा इसका डायपोल मूवमेंट किस तरफ आएगा? बाहर की तरफ। बाहर की तरफ, साउथ टू नॉर्थ, यानी किस तरफ? जेड एक्सिस की तरफ। देखिए यहां बना रहा हूं, देखिएगा, बना भी दे रहा हूं, ठीक है, लिख भी दे रहा हूं। एम वन आएगा एन आई ए इंटू के कैप। अगर नंबर ऑफ टर्न्स दी जाए तो ले लेना, नहीं दी हुई है तो 1 लोगे। 1 आई, आई कितना है? 2 कर रहा है, एरिया 2 का स्क्वायर। समझ में आ गए? यस सर। अब नीचे वाला देखो, अगर आप ऊपर से देखोगे नीचे वाले लूप में तो बताओ करंट कैसे कर रहा है, फ्लो कर रहा है? ऊपर से देखो, ऐसे ऊपर से देखो, ऊपर से नीचे वाली लूप को, इस वाली लूप को, ऐसे आ रहा है करंट। क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है? एंटी क्लॉकवाइज। बहुत बढ़िया, एंटी क्लॉकवाइज, साफ साफ दिख रहा है। अगर आप थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ता है इन क्वेश्चंस में, ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज है। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज है, इसका मतलब नॉर्थ, ऊपर से देखोगे नॉर्थ, नीचे से देखोगे साउथ, तो डायपोल मूवमेंट किस तरफ आ जाएगा? जे कैप। बहुत बढ़िया, तो एम टू आएगा ऊपर की तरफ। बहुत बढ़िया, कितना आया एम टू बताइए? क्या सेम आ रहा है? नंबर ऑफ टर्न्स 1, करंट भी 2, 2 का स्क्वायर, जे कैप कितना आ गया? 8 जे कैप। तो जो नेट डाइपोल मोमेंट आ रहा है पूरे लूप का वो आ रहा है m1 वेक्टर पहले वाले लूप का और दूसरे वाले लूप का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का सम, वेक्टर सम। कुछ आया समझ में कि नहीं आया? समझस। सो नेट डायपोल मूवमेंट का एटलीस्ट मैं मैग्नीट्यूड तो आपको बता ही देता हूं कितना है, 8√2। मैग्नीट्यूड पूछने तो एकदम ही लिख दोगे, ठीक है, डायरेक्शन में थोड़ा सा जो है देखना पड़ता है कि आप वैसे तो बता भी सकते हो कि डायरेक्शन किस प्लेन में है, बताएगा कोई किस प्लेन में? YZ प्लेन में भी ये 45 डिग्री एंगल पे, देख लो जरा YZ प्लेन में ये कैसे दिखेगा। देखिए यहाँ बताने में थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी क्योंकि एक ही जगह हो जाएगा सब कुछ, तो ठीक है ना, मैं बना के नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन ये कुछ ऐसा होगा। देखिए यहाँ बना दे रहा हूँ, देखिए ऐसे, देखिए ये है M2 और ये है M1, ठीक है, ऐसे दिखा रहा हूँ।
दिख रहा है सभी को? ऐसे देखना, ये है वाई, ये है जेड, ये ऐसे होगा वाई जेड प्लेन, 45 डिग्री एंगल बना रहा होगा। सबको दिख रहा है क्या? यस सर। ठीक है, एक्स ये है, ये एक्स है, मेरी तरफ जो एक्स आ रहा है ये एक्सिस से कुछ एंगल नहीं बना रहा है, ठीक है ना, ये वाई और जेड प्लेन में ही है, तो इसके वाई और जेड के ही कंपोनेंट आ रहे हैं ना, तो एक्स में, एक्स की डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट आ नहीं रहा है, ठीक है। ये है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो याद रखना कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे, कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी ऐसी अजीब सी लूप दी जाए जो कि अलग अलग प्लेन में जिसके वायर्स जा रहे हैं, आप क्या करोगे, जहां जहां गैप दिख रहा है आपको वहां वहां क्या मान लोगे, वायर एज्यूम कर लोगे। आपको अपने आप पता चल जाएगा कि उस वायर में जो करंट है वो कैंसिल आउट कर रहा है, एक लूप की वजह से और दूसरी लूप की वजह से, पास वाली लूप की वजह से कैंसिल आउट कर रहा होगा। हर एक लूप का मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। सबका मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट निकाल के वेक्टोरियली ऐड कर देना, तो आंसर है 8√2 एम्पियर मीटर स्क्वायर। समझ में आ गया? चलिए टॉर्क देख लेते हैं, ये पहला पार्ट है। चलिए टॉर्क क्या होगी, तो टॉर्क क्या होगी, टॉर्क भी आप निकाल सकते हो, एम क्रॉस बी आई जे के। एम मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, नेट मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट है 8J + 8K, मतलब एक्स कंपोनेंट है नहीं, y कंपोनेंट है 8, z कंपोनेंट है 8। मैग्नेटिक डाइप, मैग्नेटिक फील्ड 4i + 4j, तो क्या होगा 4 3 0, 4i + 3j, ठीक है, कर लो सॉल्व बस, और कुछ नहीं, प्लस माइनस प्लस आपका आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ रहा है देखिए, आई होप समझ में आ रहा है सर। यस सर। इसके तीनों कंपोनेंट आ रहे हैं, दिख रहे हैं सभी को? हाँ सर। तो आंसर आया आपका, टॉर्क जो आ रही है वो आ रही है -24i² + 32j² - 32k² न्यूटन मीटर। एटलीस्ट मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, अगर मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो मैग्नीट्यूड निकाल दो, ठीक है, x कंपोनेंट का स्क्वायर, y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर, ठीक है, टॉर्क पता चल गई। और तीसरा पोटेंशियल एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी के तो बहुत क्वेश्चन आ रखे हैं, मैं पिछली बार देख रहा था, कल देख रहा था मैं, पोटेंशियल एनर्जी के 3-4 क्वेश्चन आ रखे हैं, कुछ तो सिंपल ही जैसे पूछ लेंगे, बताइए किस केस में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, किस केस में मैक्सिमम होगी, ऑप्शन दिए जा रहे हैं, आप निकाल सकते हो, तो बहुत बड़ी बात नहीं है, जब बता दिए आराम से निकाल लोगे। पोटेंशियल एनर्जी आएगी -m×b, नॉट m क्रॉस b, m.b, माइनस ऑफ m.b। कौन बताएगा क्या आंसर आ रहा है? x कंपोनेंट को अलग मल्टीप्लाई करो, y को अलग करो, z को अलग करो, तीनों को ऐड कर देना। देखिए मैग्नेटिक फील्ड का x कंपोनेंट है लेकिन डायपोल मूवमेंट में नहीं है, तो कितना आ गया 0। मैग्नेटिक फील्ड का j कंपोनेंट 3, डायपोल मूवमेंट का j कंपोनेंट 8 3 × 8। मैग्नेटिक फील्ड का z कंपोनेंट 0, डायपोल मूवमेंट का 8। क्या आंसर आया? इतना सा आ गया समझ में कि नहीं आया? यस सर। कर सकते हो ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ सर। चलिए अब मैं आगे चल रहा हूं, देखिए 3 क्वेश्चन करा दिए, जो जो पूछा जा सकता था बता दिया है, ठीक है ना, तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, बस और इससे ज्यादा कुछ करवाने की जरूरत है नहीं, ठीक है ना, बेसिक चीज है। अब डिपेंड करेगा आप क्वेश्चंस कितने करते हो, शीट्स में क्वेश्चन मिलेंगे आप कर लेना, ठीक है ना, वैसे भी मैं डिस्कस तो करवा ही रहा हूँ, ठीक है। चलिए
आगे चलते हैं, इसका एक एप्लीकेशन है, करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अगर एक करंट कैरिंग लूप को एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उस पर टॉर्क लगती है, ठीक है ना, टॉर्क लगती है, यानी कि वो घूमना स्टार्ट कर देता है। कब तक घूमता है? जब तक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ना आए, तब तक वो ऑसिलेट करता रहेगा या घूम के वहां पर रुक जाएगा, ठीक है। अब इसका एक एप्लीकेशन है जिसे बोलते हैं हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। आपने गैल्वेनोमीटर देखा होगा जो है आपके लैब में रखा रहता है, मैग्नेटिक जो है गैल्वेनोमीटर आपको आपने देखा होगा, कैसा होता है, देखा है आपने, ऐसा कुछ होगा, देखो इस तरीके का रहता है। एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं कि नहीं, करवा रहे हैं दोस्तों, नहीं करवा रहे? बड़ी दिक्कत है, मतलब आपको थ्योरी ले रखे जा रहे हो, चलिए ऐसा कुछ होता है, ठीक है, चलिए मैं आपको दिखाई देता हूँ बल्कि कैसा है, दिखाता हूँ एक मिनट है ताकि समझ में आ जाए। देखिएगा मैं जो है शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, ये दिख रहा है सभी को? यस सर। ये ऐसा जो है हो रहता है, देखिए अब इसको ना मैं जो है ना सेव कर ही लेता हूँ, ठीक है, ताकि दिखा सकूँ मैं। बहुत बड़े हो गया, ऐसा है, ये थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, ताकि इसमें जो जो चीजें जो है दी जाती हैं वो मैं आपको समझा सकूँ, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकल में आपसे पूछा जाता है कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, फिर क्या क्या आप उससे मेजर कर सकते हो, ये सारी चीजें पूछी जाएंगी, तो थोड़ा ढंग से समझ में आ चीज। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो है किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है, साफ साफ पता चल रहा है, एक कॉइल लगी होती है इसके अंदर, ठीक है, और वो कॉइल एक करंट कैरिंग कॉइल है, उसमें जब करंट डालते हैं हम, करंट बहाते हैं, क्योंकि वो किसके अंदर रखी है, एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी है, तो उसके अंदर उस पर टॉर्क लगती है, और टॉर्क लगती है तो वो रोटेट करना स्टार्ट कर देती है। तो ध्यान से समझना, सबसे पहले तो मैं प्रिंसिपल बता देता हूँ, प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ये प्रिंसिपल जो है सबसे पहले पूछ लिया जाएगा आपसे, तो आप क्या लिखोगे प्रिंसिपल? इफ अ करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। देखो फिर मैं बता रहा हूं, जब आपसे प्रिंसिपल पूछा जाए ना तो आपको अनऑप्शन आप चीजें नहीं लिखनी होती, ठीक है ना, फालतू की दुनिया की चीजें नहीं लिखनी होती, साफ वर्डों में अगर प्रिंसिपल पूछा है, अगर दो लाइन का आंसर है प्रिंसिपल का तो दो लाइन का आंसर लिख दो साफ साफ, कुछ एक्स्ट्रा चीजें नहीं लिखनी। तो प्रिंसिपल में भी क्या होता है, अगर मैं ऐसे क्वेश्चन दे दूं एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ मूविंग गैल्वेनोमीटर, बच्चे क्या करते हैं पूरा पेज लिख देते हैं, उसमें प्रिंसिपल में पेज लिखने की जरूरत नहीं है, अरे भाई दो लाइन का आंसर है लिख दो, सिर्फ सिंपल यही आंसर है, ठीक है ना। इफ द करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इट विल एक्सपीरियंस अ टॉर्क, बस ये प्रिंसिपल है, इतना सा प्रिंसिपल है और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। क्या बात समझ में आई? यस सर। अच्छा अब आता है, ये पूछा जाता है कि बताइए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर किस लिए यूज होता है, तो ध्यान से समझना, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर
is used to measure small amount of current. बहुत छोटा अमाउंट ऑफ करंट अगर कहीं पर फ्लो कर रहा है तो आप गैल्वेनोमीटर से उसे मेजर कर सकते हैं, यूजुअली इन माइक्रो एम्पियर, ध्यान देना माइक्रो एम्पियर, ठीक है, एम्पियर कभी भी, जैसे बोला जाए 2 एम्पियर मेजर करो, अगर आपने गैल्वेनोमीटर लगा दिया तो गैल्वेनोमीटर गया आपका, ये मान के चलो गैल्वेनोमीटर जो है वो या तो उसकी कॉइल अंदर जो है फूक जाएगी पूरी की पूरी, ठीक है, या होता क्या है कि ये जो है ना यहाँ पे ध्यान देना, ये पॉइंटर लगा रहता है ऐसे, देख देखिए यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, ये दिख रहा है ये पॉइंटर, यस सर, ये पॉइंटर ना बीच में होगा, बिल्कुल बीच में होता है, बीच में जो है ना ये रीडिंग दी जाती है, अभी मैं रीडिंग के बारे में बताऊंगा सारी की सारी चीजें कि रीडिंग कैसे ली जाती है, ये क्या है, ये स्केल कैसे डिफाइन किया जाता है, कैसे बनाया जाता है। देखिए क्या होता है कि अगर आप इसमें 2 एम्पियर करंट फ्लो करवा दोगे, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करवाओगे, तो क्या होता है कि ये जो पॉइंटर है ना बहुत झटके से जाता है, इधर झटके से एक तरफ डिफ्लेक्ट होगा। अब क्या होता है, झटके से बहुत अगर डिफ्लेक्ट होता है ना तो प्रॉब्लम है कि इसमें एरर आ जाती है, जब करंट हट जाएगा, मान लीजिए आपने ऐसे, ये 2 टर्मिनल है ध्यान देना, इसमें ये वायर गया यहां लगेगा ऐसे, यहां लग जाएगा और दूसरा वायर यहां लग जाता है, अगर यहां से 1 एम्पियर करंट गया ऐसे ऐसे होता हुआ, अंदर कुछ लगा हुआ है अभी बताऊंगा अंदर क्या है, ठीक है, और यहां से वापस आ जाएगा, तो जैसे ही अंदर जाता है तो क्या होता है कि ये जो पॉइंटर है झटके से इस तरफ जाएगा, एक तरफ जाएगा, 1 एम्पियर करंट मेजर करने की कोशिश करेगा, लेकिन 1 एम्पियर करंट मेजर नहीं कर पाता क्योंकि इसका स्केल जो है ना उस तरीके से बनाया नहीं गया, तो ये जो ना पॉइंटर एकदम यहां पे जाके टकराएगा, और जब ये यहां पे जाके टकराता है तो प्रॉब्लम क्या होती है, जब करंट आप हटा दोगे तो ये यहां पे नहीं रहता, फिर ये जो पॉइंटर है ना ये जीरो पे नहीं आता है, ये जीरो से थोड़ा सा आगे आ जाता है, थोड़ा सा आगे, बात समझ में आई? यस सर। ये जीरो पे नहीं आ पाता, ये कहां पे रह जाता है फिर, ये जीरो से या तो आगे की तरफ रहेगा, जीरो रीडिंग नहीं दिखाता फिर कभी भी, इसलिए कभी भी इसे बहुत ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ करंट मेजर करने के लिए यूज किया ही नहीं जाता है इसमें, वरना या तो ये खराब हो गया, या तो ये खराब हो जाएगा, या इसमें हमेशा के लिए कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव एरर आ जाएगी। आपने देखा ना पॉजिटिव एरर होती है, नेगेटिव एरर होती है, जब आप मेजरमेंट करते हो स्क्रू गेज से किया करते थे, यस सर, तो इसमें हमेशा के लिए फिर एरर आ जाएगी, तो फिर जब एरर आ गई तो बड़ी दिक्कत होती है बच्चों को, इसलिए मैं जब भी एक्सपेरिमेंट करवाता था तो मैं उन्हें बोला करता था कि कभी भी गैल्वेनोमीटर को यूज करो तो बहुत डेलिकेटली यूज करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि कहीं पे भी लगा दिया और यूज कर रहे हो, फूक जाएगा, और आता ही ये एक जो है 700-800 रुपए का आता है, ठीक है ना, इसलिए बहुत डेलिकेटली यूज करना पड़ता है, ठीक है, तो ध्यान देना जब भी आपसे कोई पूछे कि कहाँ यूज करते हैं तो आप क्या बोलोगे कि सर जहां पे कम करंट मेजर करना है, कम करंट मेजर करना होता है यूजुअली इन क्या, माइक्रो एम्पियर्स, मिली में भी नहीं चलेगा, ध्यान देना मिली में भी नहीं चलेगा, तो आप बोलोगे सर फिर मिली, जैसे 2 मिली एम्पियर कहीं करंट फ्लो कर रहा है या 10 मिली एम्पियर कर रहा है, तो वहां फिर उस करंट को कैसे मेजर करते हैं, तो उसके लिए एमीटर्स हैं, ठीक है ना, जैसे आप मिली एम्पियर में करना चाहते हो तो मिली एमीटर्स आते हैं, ठीक है ना, आपके लैब में होंगे वो मिली एमीटर्स रखे रहते हैं, फिर वैसे ही अगर आपको 10 एम्पियर करना है, 20 एम्पियर करना है, 5 एम्पियर करना है, तो उसके लिए एमीटर्स आते हैं। एमीटर भी क्या होता है, गैल्वेनोमीटर ही होता है, लेकिन गैल्वेनोमीटर में कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, तो आपके 2 एक्सपेरिमेंट जो है आपको, एक तो गैल्वेनोमीटर वाला है, हाफ डिफ्लेक्शन वाला है, हाफ डिफ्लेक्शन वाला है एक तो, ठीक है, हाफ डिफ्लेक्शन वाला ही बताऊंगा मैं आपको, हाफ डिफ्लेक्शन मेथड से, हाफ डिफ्लेक्शन मेथड से हम गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना, और तुम जाकर बैठ गए हो कैंटीन में, और 2 एक्सपेरिमेंट और हैं जो आपके सिलेबस में है कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है और वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, तो वो भी देखेंगे आज, आज अगर हो पाता है तो, ठीक है, समझ में आया कि नहीं, ये चीज समझ में आया कि गैल्वेनोमीटर कहाँ यूज करते हैं, इट इज यूज्ड टू मेजर स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट,
ठीक है। चलिए अब अंदर देखते हैं कि अंदर क्या होता है, ठीक है ना। तो ये देखिए, जरा मैंने डायग्राम बनाने की कोशिश की है, देखिए क्या होता है, ध्यान से समझना है इस चीज को। दोनों ही है, 3D डायग्राम है और एक 2D डायग्राम है। देखिए क्या क्या होगा, सबसे पहले हमें एक मैग्नेटिक फील्ड बनानी होगी, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होती है, ठीक है। सबसे पहले मेरा काम है मैग्नेटिक फील्ड बनाना। देखिए मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, इसमें जो है स्पेशल टाइप ऑफ मैग्नेट यूज की जाती है। ये मैग्नेट ना कुछ ऐसी है, देखिए दिख रहा है, समझ में आ रहा है सभी को? यस सर। ये हो गया साउथ पोल और ये हो गया नॉर्थ पोल। आप बोलोगे सर ऐसी ही मैग्नेट क्यों यूज की जाती है, ऐसी मैग्नेट इसलिए यूज की जाती है ताकि इससे कैसी मैग्नेटिक फील्ड बने, ध्यान देना। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको बोलते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। देखिए यहां दिखा रखी है ऐसे, इसको बल्कि ना मैं बना ही देता हूं यहां ना, अगर ढंग से बना के दिखाऊं तो आपको देखिए कैसे होगा, देखिएगा ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहाँ मैं मैग्नेटिक फील्ड बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है ना सर। इसमें एक एक क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाएगा, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी आते हैं और वैसे भी आपको पता करना, ठीक है ना। वैसे भी आपको बहुत चीजें पूछी जाती हैं। ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ध्यान से समझना, ठीक है। अब ये जो बीच में मैंने जो स्क्वायर, ये जो सर्कल बना रखा है, ये होता है सॉफ्ट आयरन का कोर। देखें यहाँ दिखा रखी है, ये दिख रही है, ये दिख रही है सभी को? यस सर। ये जहां पे मैंने कलर से निशान बनाया, ठीक है, ये सॉफ्ट आयरन की कोर है। देखिए ये जो बना रखी है, ये एक सॉफ्ट आयरन की कोर रहती है। यहां पे मैंने कहां दिखाया, देखिए यहां दिखाया है, ये है सॉफ्ट आयरन की कोर। सॉफ्ट आयरन ही लिया जाता है, ठीक है। पूछ लेंगे, कई लोग पूछ लेते हैं, कई बार पूछ लेंगे कि सॉफ्ट आयरन की कोर क्यों यूज की जाती है। सॉफ्ट आयरन कोर होती है, सॉफ्ट आयरन की कोर इसलिए यूज की जाती है क्योंकि सॉफ्ट आयरन की खास बात क्या होती है, सॉफ्ट आयरन की परमेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। दी परमियाबिलिटी ऑफ सॉफ्ट आयरन इज वेरी हाई। अब आप बोलोगे कि सॉफ्ट आयरन की अगर परमेबिलिटी बहुत ज्यादा ही हाई है तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो उससे इफेक्ट पड़ता है कि परमेबिलिटी जिस मटेरियल की बहुत ज्यादा होती है, आपको पता चलेगा जब मैं आपको मैग्नेटिक मटेरियल बताऊंगा तो उसमें एक चीज आती है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो सॉफ्ट आयरन जो होता है वो होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की परमेबिलिटी होती है बहुत ज्यादा हाई, और क्योंकि बहुत ज्यादा हाई होती है परमेबिलिटी तो मटेरियल कोशिश करता है कि मैक्सिमम फील्ड लाइंस अपने अंदर से लेके जाए। वो इट विल अलाउ दी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टू पास थ्रू इट। सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कोशिश करती हैं उसके अंदर से पास होने की। ये चीज समझ में आई मैंने क्या बोला? फिर वापस रिपीट कर, फिर बता देता हूँ। दोज मटेरियल जिनका मैग्नेटिक परमेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई होती है, यहां लिख देता हूं, द परमेबिलिटी ऑफ सॉफ्ट आयरन इज वेरी वेरी हाई, सो इट विल अलाउ द फील्ड लाइंस टू पास थ्रू इट, अपने अंदर से पास होने देती है। मतलब आपको परमिट कर रही है फील्ड लाइंस, मटेरियल जो है परमिट करवा रहा है फील्ड लाइंस को कि मेरे अंदर से पास हो। अब इमेजिन करो कि फील्ड लाइंस फिर कैसे जाएंगी, तो ध्यान देना फील्ड लाइंस कैसे जाएंगी, नॉर्थ से निकलेंगी, साउथ में घुसेंगी। ये चीज समझ में आई? यस सर। ऐसे जाएंगी फील्ड लाइंस। अब उन्होंने क्या दिखाया, उन्होंने अगर अगर आप ढंग से देखोगे यहां पे इन्होंने कैसे दिखाया, तो इन्होंने बाहर बाहर दिखा दिए, अंदर नहीं दिखाई। तो अंदर से पास होती है, ध्यान देना, अंदर से पास हो सकती है फील्ड लाइंस, मटेरियल के अंदर से जा सकती है।
उन्होंने कैसे दिखाया, देखिए उन्होंने कैसे दिखाया, यहाँ से गई, यहाँ से एंटर हुई और यहाँ से बाहर निकल गई, ऐसे दिखाया। तो अगर आप अंदर देखोगे तो अंदर ऐसे निकल जाती है। बात समझ में आई मैंने क्या बोला? यस सर। ठीक है, तो यहाँ मैं इस तरीके से दिखा रहा हूँ, देखिए मैं ज्यादा तो नहीं बनाऊंगा लेकिन 5-6 बना देता हूँ, देखिए क्या हो रहा है ऐसे। इसको बोलते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। क्यों बोलते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड? अगर आप सेंटर पे खड़े हो गए इसके कोर के, इसको बोला जाता है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान देना। क्यों है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, क्यों बोला जाता है? मान लीजिए मैं सेंटर पे खड़ा हो जाऊं, मैं अगर खड़ा हो जाऊं तो मुझे बताओ फील्ड लाइंस कैसे जाती हुई दिख रही है? ऐसे लग नहीं रहा कि बाहर की तरफ, रेडियस की तरफ बाहर जा रही है? ऐसे रेडियली आउटवर्ड नहीं जाती हुई दिख रही है, ऐसे लग रहा है ना? यस सर। इसलिए इन्हें बोला जाता है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान देना। ये आम मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, दिस इज कॉल्ड रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। क्यों यूज की जाती है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड मैं बता दूंगा अभी, ठीक है? तो ये है आपका, ये है, ये आपका प्राइमरी चीज है, ध्यान देना। ये आपको अगर आप बनाना चाहते हो गैल्वेनोमीटर, आप खुद भी बना सकते हो। आपको दो मैग्नेट चाहिए होंगी इस स्ट्रक्चर की, इस शेप की, बीच में सॉफ्ट आयरन की कोर डालनी पड़ेगी, ठीक है? तो अपने आप जो है ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो जाएगी, ठीक है? अब क्या चाहिए आपको? एक लूप चाहिए। तो देखिए यहाँ लूप कैसे बना रखी है, देखिएगा यहाँ, देखिएगा जरा, ठीक है? ये है लूप, ये दिख रहा है? ये इन्होंने क्या दे रखी है, टर्न्स दे रखी है ना, देखो ऐसे दिख रहा है सभी को? यस सर। तो ये है आपकी कॉइल्स। अब बहुत सारी लूप दे रखी है ऐसे, अगर मैं आपसे बोलूं एन टर्न्स दे रखी हैं, तो 100 टर्न दे रखी हैं, तो ये 100 टर्न्स होगी। इसको आप ऐसे सोचो कि ऐसे लूप बना के ना पिवट कर दिया जाता है। पिवट करने के लिए, पिवट मतलब ताकि ये रोटेट हो सके, इस पर टॉर्क लगेगी तो रोटेट होगा कि नहीं? होगा ना? तो क्या होगा कि आप ऐसे सोचो कि यहां पे मैंने एक पिन लगाया ऐसे, ये कहां से कनेक्टेड होगा? जो गैल्वेनोमीटर है ना, गैल्वेनोमीटर की जो आउटर हाउसिंग है, हाउसिंग समझते हो, जिसके अंदर गैल्वेनोमीटर फिट रहता है, पूरा पूरा स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं तो फिट होगा ना किसी, ये जो आउटर जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आपको गैल्वेनोमीटर का, इसको बोलते हैं हाउसिंग, ठीक है? तो इस हाउसिंग से ये पिन कनेक्टेड रहता है और यहां पे पिवट कर दिया जाता है, यहां पे इस कॉइल को, ताकि ये रोटेट हो सके। तो यहां पे अगर मुझे दिखाना है तो मैं क्या करूंगा, देखिए ध्यान से समझना, इसको मैं थोड़ा अलग कलर से शो कर देता हूं, देखेगा जरा, मैं बना रहा हूं, ठीक है ना, बेटर ही है, ध्यान से समझना। ये हो गई मेरी लूप। आप इमेजिन करो ऐसी मैं बना रहा हूं, लेकिन इस तरीके से दिखती नहीं है बट समझा रहा हूं, इस तरीके की लूप हो गई। बात समझ में आई? यस सर। इस लूप का एक वायर जाके कनेक्ट होगा ये जो ब्लैक टर्मिनल था, अगर बाहर देखोगे तो ब्लैक टर्मिनल है, देखिए ये ब्लैक है, ठीक है? और दूसरे वाला वायर, जो दूसरे वाला वायर है वो जाके कनेक्ट होगा किससे, रेड वाले टर्मिनल से, ठीक है? वो रेड जो है ना, रेड सिर्फ कलर शो करता है, रेड मतलब क्या होता है कि वहां से क्या होगा, करंट आएगा और ब्लैक से वापस चले जाएगा, ठीक है ना? रेड से चार्ज आएंगे और ब्लैक से वापस चले जाएंगे, ठीक है? अच्छा, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है? ये स्ट्रक्चर हो गया एंड दिस इज पिवटेड फ्रॉम समवेयर। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पिवट है और ये जो पिन है जिसके अबाउट ये पिवटेड है ताकि रोटेट कर पाए, ये हाउसिंग से कनेक्टेड है, ठीक है? नीचे, इसके बिल्कुल नीचे, इसके बिल्कुल नीचे क्या होता है, नीचे मतलब बिल्कुल, अब जैसे ये ऊपर लगा हुआ है, ये जो पिवट है ना, ये जो पिवट है, ये जो पिन है, ये ऊपर लगा हुआ है, इसके नीचे क्या होगा, एक स्प्रिंग लगी रहती है इसमें, इसको बोलते हैं टॉर्शनल स्प्रिंग, ठीक है? मैं लिख दे रहा हूं,
एक तो लीनियर स्प्रिंग होती है, एक टॉर्शनल स्प्रिंग होती है। टॉर्शनल स्प्रिंग देखा होगा आपने, गाड़ी बच्चे जो खिलौने होते हैं ना उसमें लगी रहती है, देखिए आपने ऐसी स्प्रिंग होती है, देखो ऐसे। देखिए सभी ने, हाँ सर, ठीक है, बच्चों की गाड़ियों में लगी रहती है, टॉर्शनल स्प्रिंग कहलाती है, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है, तो इसका काम ही होता है कि जैसे ही आप करंट फ्लो करवाओगे इसमें, ध्यान देना, इस वायर में करंट फ्लो करवाओगे तो वायर से जैसे ही करंट जो जो है किसमें जाएगा, लूप में जाएगा, तो लूप एक करंट कैरिंग लूप, एक करंट कैरिंग लूप हो गई। और करंट कैरिंग लूप क्या होती है, अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखी होगी तो उस पर टॉर्क लगेगी, टॉर्क लगेगी तो ये रोटेट होना स्टार्ट होगी। मान लीजिए ऐसे रोटेट करना स्टार्ट करें, तो जब ये रोटेट करती है तो उसे एक जगह पर रोकना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैं चाहता हूं कि, पहले ये बता देता हूं कि स्केल बना, पहले स्केल बता देता हूं उसके बाद बताऊंगा इस चीज को। तो देखिए क्या होगा, यहीं पे क्या होता है, यहीं पे ये जो लूप है, जहां पे लूप से ही क्या कर देंगे, एक पिन कनेक्ट कर देते हैं या एक पॉइंटर कनेक्ट कर देते हैं, क्योंकि लूप रोटेट कर रही है, तो लूप से मैंने क्या कर दिया, एक पॉइंटर कनेक्ट कर दिया। अब जैसे ही लूप रोटेट होगी, मान लीजिए लूप ऐसे रोटेट हो रही है, ठीक है, तो ये पॉइंटर भी रोटेट होगा। बात समझ में आई मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ सर। तो अगर ये जो लूप है ये अगर क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है, तो ये जो पॉइंटर है ये भी क्लॉकवाइज रोटेट होगा। और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है, तो एंटी क्लॉकवाइज कब रोटेट होगी, अगर आपने करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दिया। जैसे पहले अगर करंट ऐसे आ रहा था और ऐसे निकल जा रहा था, तो ये एक डायरेक्शन में रोटेट होगी, लेकिन अगर आपने करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी तो ये क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट हो जाती है। तो फिर पॉइंटर जो है इधर नहीं मूव करके इधर मूव करना स्टार्ट कर देगा। इसलिए जो ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, ये होता है बाय डायरेक्शनल, इसे कई बार बाय डायरेक्शनल भी बोल देते हैं, क्योंकि ये दोनों तरफ रीडिंग देता है। एमीटर दोनों तरफ नहीं देता, ध्यान देना, एमीटर एक ही तरफ देता है, गैल्वेनोमीटर दोनों तरफ देगा। बात समझ में आई मैंने क्या बोला? यस सर। ठीक है, तो अब आप बोलोगे कि सर इस स्प्रिंग का क्या यूज है, ये जो टॉर्शनल स्प्रिंग है ये क्यों लगा रखी है? तो टॉर्शनल स्प्रिंग क्या होती है, ये रोकती है, इसे रोटेट करने से रोकती है। जैसे ध्यान से समझना इस चीज को, कि मान लीजिए इसमें यहां पे मैं लिख देता हूं, यहां पे ध्यान देना, 1 एम्पियर, यहां पे 2 एम्पियर, यहां पे 1 एम्पियर, यहां पे 2 एम्पियर। अब इमेजिन करो कि अगर इससे 1 एम्पियर करंट गया तो इसको कहां रुकना पड़ेगा, इस पॉइंटर को कहां पे रुकना पड़ेगा, 1 एम्पियर पे। तो रोकेगा कौन, रोकने के लिए भी तो कोई चाहिए ना भाई, टॉर्क तो लगती रहेगी। अगर टॉर्क लगती रहेगी तो ये रोटेट करते 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 पॉइंटर कहां रुकेगा, लास्ट वाले एंड पे रुकेगा, यहां पे रुकेगा। फिर तो 1 एम्पियर फ्लो कराओ तब भी क्या होगा, पॉइंटर यहां रुकेगा, 2 एम्पियर कराओ तब भी यहीं रुकेगा। तो मैं क्या चाहता हूं कि अगर 1 एम्पियर फ्लो करे तो 1 एम्पियर पे रुके पॉइंटर, अगर 2 एम्पियर फ्लो करे तो 2 एम्पियर पे रुके पॉइंटर। तो ये रोकने का काम कौन करता है, ये स्प्रिंग का काम है, टॉर्शनल स्प्रिंग का काम होता है। क्या बात आई समझ में? यस सर। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन समझ में आई सभी को? कॉन्फ़िगरेशन मैं लिखवा नहीं रहा हूं, ये आप खुद देख लेना, आपको समझ में आ गया होगा कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनती है, क्या है। ठीक है, पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसकी थ्योरी देख लीजिए, थ्योरी देखिए क्या है, ध्यान से समझ लीजिए। एन यहां पे क्या ले रहा हूं मैं, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, ए एरिया ऑफ द कॉइल, ये सब आप निकाल सकते हो। अगर आपको प्रॉपर जो है मैं सारी बता दूं, लेंथ एंड ब्रेड सब कुछ बता दूं, तो आप सब निकाल सकते हो। आई इज द करंट फ्लोइंग इन द लूप एंड बी क्या है, एक्सटर्नल
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड. ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? यस सर. ठीक है, अब देखिए क्या होगा. जैसे ही इसमें करंट फ्लो करेगा, मान लीजिए यहां से करंट आया और यहां से होता हुआ निकल गया, तो जैसे ही करंट इसमें आएगा, एंटर करेगा, ध्यान से समझना, जैसे ही करंट इसमें एंटर करेगा लूप में, तो करंट ये क्या बन जाएगी, करंट कैरिंग लूप. और करंट कैरिंग लूप एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है जो कि आपने बनाई है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, तो इस पे क्या लगेगी, एक टॉर्क लगेगी. बात आ रही है समझ में? यस सर. तो ध्यान से समझना ये किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है. डेफिनेटली ये किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, इट इफ अ करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इट विल एक्सपीरियंस टॉर्क, इट विल एक्सपीरियंस अ टॉर्क. बट ये जो टॉर्क है ये करती है कॉइल को एक डायरेक्शन में रोटेट करवाने की, ये कोशिश करेगी मान लीजिए क्लॉक वाइज डायरेक्शन में रोटेट करवाने की. तो ये जो स्प्रिंग है, टॉर्शनल स्प्रिंग, ये कैसी कैसी टॉर्क अप्लाई करेगी, एंटी क्लॉक वाइज में. ध्यान से समझना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं. अगर यहां पे मैं ऐसे एक स्प्रिंग लगा दूं और मैं आपसे बोलूं कि इसे रोटेट करवाओ, ऐसे रोटेट करवाओ, तो आप टॉर्क लगा रहे हो किस डायरेक्शन में, ध्यान देना, आप लगवा रहे हो क्लॉकवाइज में, लेकिन ये स्प्रिंग कहां लगाएगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. समझ में आया कि नहीं क्या बोल रहा हूं? यस सर. तो रुकेगा कहां पे, रुकेगी कभी है? जब आपकी टॉर्क और स्प्रिंग की टॉर्क क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए. फिर बता रहा हूं आप किसी चीज को ऐसे रोटेट करवाने की कोशिश कर रहे हो, देखो ऐसे दिख रहा है, लेकिन कोई चीज इसे अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करवाने की कोशिश कर रही है. ये बिल्कुल स्प्रिंग जैसा काम नहीं है. लीनियर स्प्रिंग में क्या हुआ करता था, लीनियर स्प्रिंग में भी तो यही हुआ करता था. लीनियर स्प्रिंग में आप फोर्स लगाते थे ऐसे, लेकिन स्प्रिंग फोर्स लगाती थी उल्टी डायरेक्शन में, जिसे हम रिस्टोरिंग फोर्स बोलते थे. तो ये रुकती कहां पे थी, अगर बहुत धीरे धीरे फोर्स लगाऊं तो रुकेगी कब, जब आपकी फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी. यहां पे बस वो काम टॉर्क में हो रहा है, टॉर्क में हो रहा है, आप रोटेट करवाने की कोशिश कर रहे हो ऐसे, ठीक है, क्लॉकवाइज. मैं रोटेट करवाने की कोशिश कर रहा हूं क्लॉकवाइज, स्प्रिंग लगा दी नीचे, टॉर्शनल स्प्रिंग कोशिश कर रही है एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाने की. तो रुकेगी कब, जब इन दो ये दोनों टॉर्क क्या है, बैलेंस हो जाए. ये इक्वल एंड अपोजिट है, ध्यान देना, अपोजिट डायरेक्शन में तो है ही, अगर ये दोनों इक्वल होगी तो वहां पे जाके ये कॉइल जो है रुक जाएगी. ठीक है, तो आपको प्रिंसिपल में ये भी डालना पड़ेगा. ऑफ कोर्स प्रिंसिपल यही है, ध्यान देना, दिस इज अ प्रिंसिपल की इफ एन करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इट विल एक्सपीरियंस टॉर्क. बट साथ में ये भी ऐड करना पड़ेगा, दिस टॉर्क इज बैलेंस्ड बाय द टॉर्क अप्लाइड बाय द स्प्रिंग. ये भी आपको ऐड करना पड़ेगा, ये भी प्रिंसिपल है. मतलब प्रिंसिपल यहां पे क्या है, ये भी प्रिंसिपल है कि इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंसिंग ऑफ टॉर्क, टॉर्क बैलेंस होती है यहां पे. साथ में ये भी लिखना पड़ेगा. ठीक है, हाँ, तो ये कब रुकेगी, ध्यान देना, यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं. कब रुकेगी, पॉइंटर कब रुकेगा, व्हेन टॉर्क अप्लाइड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ये इक्वल हो जाए किसके, टॉर्क अप्लाइड बाय द टॉर्शनल स्प्रिंग. ये दोनों बैलेंस करते हैं, ऑब्वियसली बात है ये अपोजिट हैं, तो बैलेंस कर जाएगा, इनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो गया तो पॉइंटर रुक जाएगा वहां पे, और जैसे रुकेगा पॉइंटर तो वो करंट बता देगा, करंट कितना फ्लो कर रहा है. ठीक है, तो टॉर्क जो
मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेगी, वो होती है याद करना, वो कितना था, एम बी साइन थीटा। ये चीज समझ में आ रही है सभी को? यस सर। एम क्या है, डायपोल मोमेंट ऑफ द लूप, वो आपको निकालना आता है, एन आई ए। बी मैग्नेटिक फील्ड है, और थीटा क्या है, इन दोनों के बीच का एंगल। ठीक है, टॉर्क अप्लाइड बाय टॉर्शनल स्प्रिंग। तो आप ध्यान देना, स्प्रिंग जो है रीस्टोरिंग जो फोर्स लगाती थी, अगर लीनियर स्प्रिंग होगी तो वो कितना लगाती थी फोर्स, के एक्स, याद है किसी को? यस सर। एक्स क्या था इसमें, डिस्टेंस परपेंडिकुलर, ना ना, एक्स एक्स, हाँ एक्स था डिफ्लेक्शन, लीनियर डिफ्लेक्शन। या आप ऐसे सोचो कि स्प्रिंग कितना खिंच गई है या कंप्रेस हो गई है, लीनियरली होता था, ठीक है ना, लीनियर था, ध्यान देना। या कितना आपने खींच दिया, जैसे उसकी नेचुरल लेंथ है 10 मीटर, आपने खींच के 11 सेंटीमीटर कर दी, तो एक्स क्या है, 1 सेंटीमीटर। के यहाँ पे क्या है, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, ठीक है ना। अब वैसा ही फॉर्मूला होता है टॉर्शनल स्प्रिंग के लिए, टॉर्शनल स्प्रिंग के लिए वैसा ही फॉर्मूला होगा, ध्यान देना क्या होगा, ध्यान से समझना, अल्फा थीटा, के की जगह आ गया अल्फा और एक्स की जगह आ गया थीटा। अल्फा यहां पे क्या है, अल्फा कहलाता है, अल्फा इज कॉल्ड टॉर्शनल कॉन्स्टेंट ऑफ स्प्रिंग। ये है प्रॉपर्टी, ठीक है, टॉर्शनल स्प्रिंग की प्रॉपर्टी होती है, ये पता रहती है हर एक टॉर्शनल स्प्रिंग के लिए। और थीटा क्या है, एंगुलर डिफ्लेक्शन। तो समझ में आया मैंने क्या बोला? अच्छा, बेटर ये है कि मैं इसे फाई ले लूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। फाई इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ऑफ स्प्रिंग एंड मैग्नेटिक फील्ड, ताकि यहां थीटा और फाई से आप वो ना करो। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सर फाई कितना होगा, फाई तो कंटिन्यूअसली चेंज होगा। आप इमेजिन करो कि अगर मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और ये आपकी लूप है, और लूप रोटेट करते जाए तो मैग्नेटिक फील्ड तो सेम डायरेक्शन में है, ध्यान देना, लेकिन मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है, तो ये जो फाई है कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है, तो टॉर्क जो है फिक्स नहीं होती, बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है ना। टॉर्क को फिक्स करना होगा हमें, ठीक है, तो टॉर्क को फिक्स करने के लिए ही रेडियल मैग्नेटिक फील्ड यूज की जाती है, ध्यान से समझना इस चीज को। कोई पूछ ले आपसे कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्यों यूज की जाती है, तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इसलिए यूज की जाती है ताकि हमेशा, ध्यान से समझना इस चीज को, समझ लो, यहां मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, इमेजिन करना, ठीक है, इस चीज को। मान लीजिए आपका डायपोल मूवमेंट इधर है, और अभी मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, तो अब आप बोलोगे कि सर कौन सी मैग्नेटिक फील्ड, तो ध्यान देना मैग्नेटिक फील्ड, यहां ध्यान देना है इस चीज को, ये दिख रहा है, ये यस सर, कैसी होगी ये मैग्नेटिक फील्ड, कैसी है, दिस इज पासिंग थ्रू द प्लेन ऑफ द लूप, ये प्लेन जो लूप है ना उसके प्लेन में पास हो रही है, और एम बाहर की तरफ है, तो कितना एंगल हो गया, 90 डिग्री। अब क्या होगा, ये रोटेट होगी, तो जैसे ही रोटेट होगी तो ये लूप बनेगी यहां पे, ध्यान देना ये लूप आ जाएगी यहां पे, तो डायपोल मोमेंट खिसक के आ जाएगा यहां पे, ये मैं हटा दूंगा अभी, ध्यान देना। अब कौन सी मैग्नेटिक फील्ड लोगे आप, तो आप ये वाली लोगे, अभी भी कितना एंगल मेंटेन है, 90। बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. तो किस लिए यूज की जाती है, अगर आपसे पूछा जाए रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्यों यूज की जाती है, तो आप क्या बोलोगे, क्या आंसर करोगे, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इसलिए यूज की जाती है ताकि हमेशा मैग्नेटिक फील्ड कहां से पास हो, प्लेन ऑफ द लूप से पास हो। ये चीज समझ में आई मैंने क्या बोला? और अगर प्लेन ऑफ द लूप से मैग्नेटिक फील्ड पास होगी तो हमेशा डायपोल मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना रहेगा, 90 डिग्री। ये चीज ध्यान से समझना, इस चीज को यहां पूछ लिया जाता है, वाई रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इज यूज्ड,
आप आंसर क्या करोगे? अगर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड यूज कर रहा हूं देन द मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज पासिस थ्रू the plane of loop और इसके कारण क्या होगा due to which the angle between the magnetic dipole moment and magnetic field is always 90, हमेशा 90 रहेगा, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में रोटेट होके कहीं पे भी हो, कहीं पे भी हो, ध्यान देना, समझ में आ रहा है क्या मैं बोल रहा हूं? Yes, sir. तो कौन मुझे बताएगा कि मैं phi इसमें क्या डालूं? इस इक्वेशन में फाइ क्या डालूं? क्या डालूंगा? 90 डिग्री. और क्यों डालूंगा? इट इज ड्यू टू रेडियल मैग्नेटिक फील्ड. समझ में आ गया? यस सर. बस हो गया मेरा काम. सो साइन 90 क्या हो गया? 1. मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट आप लोगों को पता है क्या होता है, NIA. अगर आप ढंग से देखते हो तो आपको पता चलता है कि यहां पे n नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है वो कांस्टेंट है, तो बस बचा यहां पे क्या, आई. और यहां पे क्या है, अल्फा थीटा. ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर. थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो रीअरेंज करते हैं तो पता चलता है. देखिए क्या है, ये कुछ बनता है. समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. अब अगर आप ढंग से देखते हो तो आपको क्या चीज पता चल रही है. देखिए यहां पे क्या क्या कांस्टेंट है. एन ए बी कांस्टेंट है कि नहीं कांस्टेंट? Yes, sir. अल्फा भी कांस्टेंट है. अल्फा क्या है? टॉर्शनल कांस्टेंट. ठीक है, ये जो पूरा का पूरा है ना, ये अल्फा अपॉन एन ए बी, ये कांस्टेंट है. दिस इज अ कांस्टेंट. ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है. चेंज क्या होता है? चेंज होता है थीटा. क्यों थीटा चेंज क्यों होता है? क्योंकि जैसे जैसे टॉर्क अप्लाई होगी तो क्या होगा, जैसे जैसे इसमें करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा तो ध्यान देना, करंट फ्लो करेगा तो ये बढ़ेगी. कौन सी टॉर्क बढ़ेगी? जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रही है. ध्यान देना, जैसे ये है आपकी लूप, ठीक है, इसमें करंट फ्लो करा, जैसे जैसे करंट बढ़ाओगे तो टॉर्क बढ़ेगी, ये बढ़ेगी. तो इस टॉर्क को बैलेंस करने के लिए ये जो स्प्रिंग है इसको थोड़ा सा ज्यादा एंगुलरली डिफ्लेक्ट करना पड़ेगा ताकि इस टॉर्क को बैलेंस कर सके. जितना कम करंट फ्लो करेगा उतना कम एंगुलरली डिस्प्लेस होगी स्प्रिंग, जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा उतना ज्यादा एंगुलर डिफ्लेक्शन आएगा स्प्रिंग में. जितना ज्यादा करंट, ध्यान से समझना, जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा उतना ज्यादा एंगुलर डिफ्लेक्शन आएगा स्प्रिंग में, उतना ही ज्यादा पॉइंटर मूव करेगा. और क्योंकि ज्यादा करंट है तो पॉइंटर क्या दिखाएगा, जैसे 1 एम्पियर करा, 1 एम्पियर करा तो ये कहां पे रुकेगा पॉइंटर? पॉइंटर कहां रुकेगा? देखिए यहां पे, इस पॉइंटर को कहां रुकना पड़ेगा? सिर्फ इतने एंगल पे रुकना पड़ेगा. क्या कम एंगल पे रुकना पड़ रहा है? यस, क्योंकि कम करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है ना. लेकिन अगर ज्यादा करंट फ्लो करा 2 एम्पियर, फिर से ज्यादा एंगल पे रुकना पड़ेगा.
कुछ समझ में आया मैंने क्या बोला? यस सर। ठीक है, तो चेंज क्या होता है? चेंज होता है थीटा, क्योंकि करंट चेंज हो रहा है। बट ये जो है ना, ये अल्फा अपॉन एन बी, ये कांस्टेंट है, इसको बोला जाता है गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। ठीक है, ध्यान देना, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। इसको हटा देता हूं, इसको डायरेक्टली गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट लिख देता हूं। दिस इज कॉल्ड गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। ठीक है, ये कांस्टेंट है, ध्यान से समझना। इसको मैं जी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो आपको आई हो जाएगा जी थीटा। जी कांस्टेंट है, क्या चेंज हो रहा है? आई के कारण थीटा चेंज हो रहा है। कौन मुझे बताएगा कैसा स्केल है? अगर मैं इससे स्केल बनाना चाहूं, स्केल कैसे बनाएंगे? स्केल कुछ ऐसा बनाएंगे, ध्यान देना। मान लीजिए आपने जी कैलकुलेट कराओ और कुछ आ गया टू, मान लीजिए टू आ गया, तो ये जो इक्वेशन है वो कैसी हो जाएगी? आई इज इक्वल टू टू थीटा। तो ये कैसा स्केल बनेगा बताएगा, आई और थीटा के बीच में? अरे भाई बताओ, स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। इट इज अ लीनियर स्केल, इट इज अ लीनियर स्केल, डेफिनेटली इट इज अ स्ट्रेट लाइन, बट इट इज अ लीनियर स्केल। तो एक लीनियर स्केल बनाया जाता है, और स्केल यहाँ पे क्या होता है, ये जो पॉइंटर है ना ऊपर, जो पॉइंटर है, ये स्केल ऊपर है, ये स्केल है, ये लीनियर होता है। कैसे पता चलता है लीनियर? आप खुद देख सकते हो, यहाँ लिखा रहता है जीरो, यहाँ लिखा होता है ऐसे 10 माइक्रो एम्पियर, ये होता है 20 माइक्रो एम्पियर, और ये होता है 30 माइक्रो एम्पियर, ऐसे लिखा रहेगा इसके ऊपर। आप मुझे बताओ, जीरो से लेके 10 के बीच में जो गैप है, उतना ही गैप 10 से 20 के बीच में? अरे है कि नहीं? यस सर। और 20 और 30 के बीच में भी उतना ही गैप है, गैप देखो यूनिफॉर्म है ना। अगर ये नॉन लीनियर स्केल होता ना, तो गैप जो है डिफरेंट होता था। तो ये लीनियर स्केल होता है। अभी भी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो ये एक लीनियर स्केल है जो ऊपर बना दिया जाता है। ठीक है, कैसे बनाते हैं? तो बनाने का तरीका बहुत सिंपल है। आप क्या चेक करोगे? आप ये चेक करोगे कि जैसे, ध्यान से समझना, बना, अगर मैं आपसे बोलूं कि बनाओगे कैसे, ठीक है, बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ध्यान देना, बनाने की कोशिश कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं कि कैसे बनाओगे आप। अच्छा, ध्यान से समझना इस चीज को। जैसे आप जब स्केल बना रहे हो, तो इसमें क्या होता है, डिविजन्स होते हैं, ऐसे डिविजन्स होते हैं, ध्यान देना, जीरो से लेके 10 माइक्रो एम्पियर तक ऐसे ना डिविजन्स रखे जाते हैं, 10 डिविजन्स होंगे। ये चीज समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? यस सर। फिर 10 से लेके 20 के बीच में कितने होंगे डिवीजन? फिर से 10 हो जाएंगे ऐसे, तो टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स कितने होंगे बताएगा कोई? कितने हैं? जीरो से लेके 10 माइक्रो एम्पियर तक कितने हैं? 10। 10 से 20 के बीच में कितने हैं? 10। और 20 से 30 के बीच में कितने हैं? 10। तो कितने हो गए? 30 डिविजन्स। कुछ समझ में आया मैंने क्या बोला? यस सर। अब समझने वाली बात यह है कि जब ये जीरो पे है, ये जो आपका जो पॉइंटर है ये जीरो पे है, और आपने कुछ करंट फ्लो करवाया इसमें, ध्यान देना, कुछ करंट फ्लो करवाया, और ये खिसक के कहां पहुंच गया? ये खिसक के पहुंच गया पहले डिविजन पे। खिसक के पहुंचा होगा? अरे पहुंचा होगा कि नहीं? यस सर। तो ये जो एंगल है, अगर ये पता चल जाए कि कितना एंगल रोटेट हुआ, अब इमेजिन करो, ये मान लीजिए ये 1 डिग्री एंगल है, इमेजिन करना, अगर ये 1 डिग्री एंगल है, जीरो से लेके फर्स्ट डिवीजन पे जब ये पॉइंटर रोटेट करेगा, तो ये जो पॉइंटर है मान लीजिए 1 डिग्री रोटेट हुआ, ध्यान से समझना,
वन डिग्री रोटेट हुआ, इमेजिन करो ये वन डिग्री रोटेट हुआ, रेडियंस में रख लो, रेडियंस में वन डिग्री रेडियंस में रख लो तो कितना हो जाएगा पाई बाय 180। ध्यान से समझना इस चीज को मैं क्या बोल रहा हूं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये कितना करंट मेजर करेगा, कितना करंट मेजर करेगा, ठीक है। अब मैं चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि जब ये वन डिग्री रोटेट करे तो ये कितना मेजर करे, कितना मेजर करे, वन माइक्रो एम्पियर। ध्यान से समझना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि पॉइंटर जीरो से लेके अगर रोटेट हुआ, थोड़ा सा रोटेट करके कहां पहुंचा, फर्स्ट डिवीजन पे पहुंचा, तो ये कितना एंगल रोटेट हुआ, वन डिग्री, वन डिग्री रोटेट हुआ, यानी कि पाई बाय 180 रेडियन रोटेट हुआ, ऐसे रोटेट हुआ। और मैं ये चाहता हूं कि ये कितना एंगल मेजर, कितना करंट मेजर करे। ऑब्वियसली बात है अगर जीरो यहां पे और यहां पे 10 है तो फर्स्ट डिवीजन पे कितना करेगा, वन माइक्रो एम्पियर करेगा कि नहीं। आया समझ में मैं क्या बोल रहा हूं। तो आप क्या निकाल सकते हो, जी निकाल सकते हो, वन माइक्रो मतलब हो गया 10^6, ये पाई बाय 180। तो आप इससे क्या कर सकते हो, जी निकाल सकते हो कि कितना आपको गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट रखना पड़ेगा। गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट है क्या, अल्फा एन ए बी। मान लीजिए आपने एन फिक्स कर दिया, ए फिक्स कर दिया, बी फिक्स कर दिया, आपने कॉइल पहले से ही बना दिए, कॉइल पहले से ही बना के तैयार रखी हुई है, नंबर ऑफ टर्न्स दे दिए, एरिया जो है फिक्स कर दिया है आपने, मैग्नेटिक फील्ड फिक्स कर दी है, तो आपको कितने टॉर्शनल कॉन्स्टेंट की स्प्रिंग लगानी पड़ेगी ताकि ये एक डिग्री रोटेट करने पे कितना करंट मेजर करा दे, वन माइक्रो एम्पियर मेजर करा दे। तो उसके लिए जो स्प्रिंग लगानी पड़ेगी उसका आप अल्फा निकाल सकते हो, उस स्प्रिंग को यहां पे अटैच कर देना अपने आप, ये जो है इस ये स्केल जो है जो आपने बना के तैयार किया हुआ है अपने आप ये मेजर करना स्टार्ट कर देगा। अगर आपने वन माइक्रो एम्पियर करवाया, ध्यान देना वन माइक्रो एम्पियर करंट फ्लो करवाया, तो ये एक डिवीजन रोटेट करेगा, ठीक है। अगर आपने 10 माइक्रो एम्पियर करवाया तो ये 10 डिग्री रोटेट करेगा, ऐसे 10 डिग्री रोटेट करेगा, 10th डिवीजन पे रुकेगा, 10 डिवीजन कौन सा है, 10 माइक्रो एम्पियर, तो 10 माइक्रो एम्पियर ये मेजर करके दे देगा। कुछ समझ में आया कि नहीं कैसे बनाते हैं? यस सर। आया समझ में कि नहीं कैसे बनाया जाएगा, इस तरीके से बनाया जाता है, ठीक है, इस तरीके से कैलकुलेशन की जाती है, ठीक है। लीनियर स्केल है, सबसे पहले ये ध्यान देना लीनियर स्केल है, ठीक है। बनाया कैसे जाएगा, बनाने के लिए आपको जी फिक्स करना होता है, पहले तो आपको स्केल बनाना पड़ेगा, अपना आर्बिट्री स्केल बना सकते हो, अपना आर्बिट्री स्केल। आप बोलोगे सर मैं ये स्केल नहीं बनाना चाहता, मैं तो स्केल ऐसे बनाना चाहता हूँ, देखिए मैं स्केल ऐसा बनाना ही नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ ये गैल्वेनोमीटर इस तरीके से करंट मेजर करे। अभी भी 30 डिविजन है, ठीक है, ध्यान से समझना। कौन मुझे बता देगा कि ये एक डिवीजन में कितना करंट मेजर करेगा, 30 डिवीजन पे कितना कर रहा है, सिक्सटी, बहुत बढ़िया। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, अभी देखना क्वेश्चन ये क्लियर होंगे आपको। 30 डिवीजन पे 60 कर रहा है क्योंकि लीनियर स्केल है, तो वन डिवीजन पे कितना करेगा, 2 माइक्रो एम्पियर। तो कितना जी रखूं कि ये जब 1 डिग्री रोटेट कर रहा है, जब ये क्या बोलते हैं आपका पॉइंटर 1 डिग्री रोटेट करेगा तो ये 2 माइक्रो एम्पियर मेजर कर ले। तो आप क्या बोलोगे, सर जब ये 1 डिग्री रोटेट कर रहा है तो थीटा कितना हो गया, थीटा आ गया आपका पाई बाय 180 रेडियन, और इसे मेजर कितना करना चाहिए, इसे मेजर करना है 2 × 10^-6। तो मैं यहां से क्या निकाल पाऊंगा, ये जी निकाल लूंगा कि मुझे जी कितना रखना पड़ेगा, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट कितना रखना पड़ेगा। अब गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट जो है वो तीन चीजों से मिलके बना है, कितनी चीजों से, तीन चीजों से, अल्फा एन ए बी। जनरली मेरे हाथ में क्या रहती है, अल्फा रहता है क्योंकि स्प्रिंग तो मैं ही लगाऊंगा, एन ए बी मेरे हाथ में नहीं रहता क्योंकि एन ए बी फिक्स्ड है, स्पेस जो है अंदर गैल्वेनोमीटर का जो है वो फिक्स रहता है, फिक्स रहेगा तो आपको एरिया फिक्स करना पड़ेगा, लूप का नंबर ऑफ टर्न फिक्स करनी पड़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड फिक्स करनी पड़ेगी। क्या चीज हाथ में रहेगी, स्प्रिंग आप कोई सी भी लगा सकते हो, तो आप स्प्रिंग का क्या निकाल सकते हो,
अल्फा निकाल सकते हैं, टॉर्शनल कांस्टेंट निकाल सकते हैं, उस टॉर्शनल कांस्टेंट की स्प्रिंग लगा देना, आपका गैल्वेनोमीटर बनके तैयार। क्या बात आई समझ में? नहीं आया अभी भी समझ में? आ गया है कि नहीं समझ में? आया सर। ठीक है, तो मैं हटा रहा हूँ ये, ऐसे इसकी जरूरत नहीं, मैंने आपको सिर्फ बताया कि इसकी जरूरत क्या क्या जरूरत पड़ेगी मैं बता दूंगा। ठीक है, ठीक है, ये सिर्फ मैंने समझाया आपको कि किस तरीके से आपको समझना है कि कैसे बनाया जाता है। अगर आप बनाओगे, अगर बनाना चाहोगे तो गैल्वेनोमीटर आप खुद का भी तैयार कर सकते हो। ठीक है, चलिए, अब इसमें दो चीजें पूछी जाती हैं, एक होता है करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी क्या होता है? तो करंट सेंसिटिविटी होती है कि अगर इसमें एक एम्पियर करंट फ्लो करवाऊं, इसको मैं आई एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ध्यान देना, करंट सेंसिटिविटी, तो अगर इसमें एक एम्पियर करंट फ्लो करवाऊं तो ये कितना डिफ्लेक्ट कर जाता है, कौन पॉइंटर कितना डिफ्लेक्ट कर जाता है? जैसे ध्यान से समझना मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा था, कितना करंट फ्लो करवाऊं, अगर मैं, कहने का मतलब कि अगर इसमें 1 एम्पियर करंट फ्लो करवाऊं तो ये कितना डिफ्लेक्ट कर जाएगा, सीधी सी बात, यूनिट करंट फ्लो करवाऊं तो कितना डिफ्लेक्ट कर जाता है। जैसे अगर इस फॉर्मूले में देखोगे, थीटा बाय आई हो गया फॉर्मूला, ध्यान देना, थीटा बाय आई, अगर इसमें 1 एम्पियर करंट आपने डाल दिया, आई की जगह 1 डाला, 1 एम्पियर डाला, तो आई एस क्या हो जाएगा, थीटा के इक्वल हो जाएगा कि नहीं? होगा कि नहीं? यस सर। तो वो होती है करंट सेंसिटिविटी, दैट इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी। ठीक है, करंट सेंसिटिविटी, तो क्या लिखूंगा अगर आपसे कोई पूछ ले करंट सेंसिटिविटी, तो आप क्या लिखोगे? इफ अ यूनिट अमाउंट ऑफ करंट इज फ्लोन थ्रू द वायर फ्लोइंग then how much the pointer will deflect, is called current sensitivity. मतलब थीटा बाय आई, बट आपको समझ में आ रहा होगा कि थीटा बाय आई ऊपर वाले फॉर्मूले से बताएगा क्या है, कोई आया समझ में? करंट सेंसिटिविटी क्या होती है, ध्यान देना, अगर यूनिट करंट फ्लो करवाया जाए, यूनिट करंट क्या हो सकता है? आप बोलोगे सर यूनिट करंट क्या होता है, 1 एम्पियर, मैं बोलूंगा हाँ हो सकता है। क्या आप बोलोगे सर 1 माइक्रो एम्पियर भी हो सकता है, मैं बोलूंगा बिल्कुल हो सकता है, 1 माइक्रो एम्पियर यूनिट ही है ना। तो आप ऐसे सोचो कि 1 माइक्रो एम्पियर करंट अगर फ्लो करवाया जाए तो कितना एंगल रोटेट हो जाता है, पॉइंटर कितना एंगल रोटेट हो जाता है, बात समझ में आई? दैट इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी। आया समझ में कि नहीं आया? यस सर। बट क्या करंट सेंसिटिविटी थीटा और आई पे डिपेंड करती है? नहीं, क्योंकि जैसे जैसे करंट बढ़ाओगे थीटा भी बढ़ता जाएगा। तो करंट डेंसिटिविटी बेसिकली किस पर डिपेंड करती है? इन 4 चीजों पे, नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया, बी एंड अल्फा। यानी कि करंट सेंसिटिविटी होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जी। आया समझ में कि नहीं आया? करंट सेंसिटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जी होता है, आई और थीटा पे डिपेंड नहीं करता, ध्यान देना। ठीक है, तो आप बोलोगे सर फिर करंट सेंसिटिव बढ़ाऊं कैसे, तो मैं बोलूंगा जी को घटा दो। जी को घटाने का तरीका बताएगा कोई?
इंक्रीज एरिया, इंक्रीज नंबर ऑफ टर्न्स, इंक्रीज मैग्नेटिक फील्ड, डिक्रीज अल्फा, बहुत तरीके हैं। समझ में आया क्या? और करंट सेंसिटिव, अगर करंट सेंसिटिविटी आपको घटानी है, घटाने का मतलब क्या होता है? घटाने का मतलब ये है कि अगर उसमें 1 माइक्रो एम्पियर करंट फ्लो करवाऊं तो थोड़ा सा डिफ्लेक्ट करें। ज्यादा करंट सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है? करंट सेंसिटिविटी अगर गैल्वेनोमीटर की ज्यादा है तो कम करंट फ्लो करवाओगे, पॉइंटर एकदम ज्यादा डिफ्लेक्ट करेगा, कम करंट के लिए बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन, दैट इज कॉल्ड हायर करंट सेंसिटिविटी। कम करंट सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है? कम करंट सेंसिटिविटी मतलब होता है ज्यादा करंट फ्लो करवाओगे कम डिफ्लेक्शन होगा। क्या बात आई समझ में कि नहीं आई? यस सर। अगर कोई पूछ ले आपसे कि करंट सेंसिटिविटी होती क्या है, तो आप बहुत कूल माइंड से आप ये बोलोगे कि सर करंट सेंसिटिविटी का मतलब है कि पर यूनिट करंट फ्लो करवाने में पॉइंटर कितना डिफ्लेक्ट कर जाता है। अगर कोई कैल्वेनोमीटर बहुत ज्यादा करंट सेंसिटिविटी, उसकी करंट सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है, इसका मतलब अगर उसमें आप करंट, कम करंट भी डाल दोगे, फ्लो करवा दोगे अंदर कॉइल में, अंदर कॉइल के अंदर कम करंट भी फ्लो करवा दोगे, बहुत जल्दी पॉइंटर जो है डिफ्लेक्ट करता है, बहुत ज्यादा डिफ्लेक्ट कर जाएगा, थीटा बहुत ज्यादा आ जाएगा उसमें। करंट सेंसिटिविटी बढ़ाएंगे कैसे? जी घटाओगे, जी पे डिपेंड करती है वो। तो जी घटाने के तरीके क्या है? आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स है, एरिया है, मैग्नेटिक फील्ड है, अल्फा है। जी घटाने का तरीका, अल्फा घटा दो, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो, एरिया बढ़ा दो, बी बढ़ा दो। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? यस सर। हाउ टू इंक्रीज करंट सेंसिटिविटी, तो आप क्या बोलोगे? डिक्रीज दी गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट को क्या कर दो? घटा दो। और गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट घटाने का तरीका क्या है? चार तरीके हैं आपके पास। डिक्रीज अल्फा, अल्फा मतलब टॉर्शन कांस्टेंट घटा दो स्प्रिंग का, फ्लेक्सिबल स्प्रिंग लोगे, फ्लेक्सिबल लोगे, समझ में आ रहा है? फ्लेक्सिबल, जिसका अल्फा कम होगा वो फ्लेक्सिबल टॉर्शनल स्प्रिंग होगी, ठीक है। एन बढ़ा दो, ये तरीके हैं बता रहा हूं। ए बढ़ा दो, और बी बढ़ा दो। क्या बात आई समझ में? ये सबसे पहली चीज जो आपको याद रखनी है। दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि गैल्वेनोमीटर क्या होता है, कि गैल्वेनोमीटर हमेशा क्या करता है कि एक फिक्स करंट ही मेजर कर सकता है। उसको बोलते हैं करंट कॉरेस्पॉन्डिंग टू फुल स्केल्स डिफ्रेक्शन। ध्यान से समझना इस चीज को, मैं क्या बोल रहा हूँ। इसको आईजी से रिप्रेजेंट करूंगा। ऐसा नहीं होता कि आप बोलोगे कि सर कि गैल्वेनोमीटर कितना करंट मेजर कर सकता है, ऐसा नहीं है कि गैल्वेनोमीटर कितना भी करंट मेजर कर ले। ध्यान से समझना इस चीज को, आप मुझे इस स्केल से ही बता दो, स्केल से, मैं स्केल बना रहा हूं, ठीक है। कौन मुझे बताएगा कि गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम कितना करंट मेजर कर सकता है? इसमें 30 डिविजन है, कौन मुझे बताएगा कि सबसे ज्यादा करंट ये मेजर कितना करके दे देगा? बता देगा कोई इस गैल, इस सिर्फ स्केल से देख के? 30 माइक्रो एम्पियर, इससे ज्यादा करंट तो मेजर ही नहीं करके दे सकता। आप बोलोगे कि सर क्या व्हाट हैपन, चलो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि सर आपने गैल्वेनोमीटर में 10 माइक्रो एम्पियर करंट फ्लो करवाया, कितना मेजर करके देगा? ये पॉइंटर यहाँ खिसक के आ जाएगा। 20 करवाया, यहाँ खिसक के आ जाएगा। 30 करवाया, यहाँ खिसक के आ जाएगा। 40 करवाया, 40 में अब नहीं कहीं नहीं जा सकता, ये पॉइंटर बेचारा वहीं अटका रहेगा। तो मैक्सिमम करंट जो ये मेजर कर सकता है वो है 30 माइक्रो एम्पियर, जो 38 डिवीजन पे आ रहा है। ध्यान देना,
तो यहां पे जो IG है वो क्या है, करंट कॉरेस्पॉन्डिंग टू फुल स्केल डिफ्लेक्शन। फुल स्केल मतलब जो इसका स्केल है वो 30th तक ही जा रहा है ना, तो 30th पे जो करंट आ रहा है वो है इसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन वाला करंट, वो क्या है यहाँ पे 30 माइक्रो एम्पियर। कुछ आया समझ में कि नहीं आया? अरे आया क्या समझ में? यस सर। तो अब समझाने वाली बात यह है कि आपको फुल स्केल डिफ्लेक्शन वाला करंट पता चल जाएगा, आप गैलोमीटर को देख के बता सकते हो कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन वाला करंट कौन सा है। तो ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं कि 30th डिवीजन पे जो करंट आ रहा है वो कौन सा है, IG। बात समझ में आई? तो एक डिवीजन पे कितना आएगा बताएगा कोई? एक डिवीजन पे कितना आएगा? IG बाय 30। आया समझ में? सिंपल है ना, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, है ना, IG बाय 30। अब देखिए मैं फॉर्मूला बना रहा हूं, फॉर्मूला बता रहा हूं ध्यान से समझ। अगर मान लीजिए किसी गैल्वेनोमीटर में nth डिवीजन है, n इज द नंबर ऑफ डिवीजन, क्या हमेशा किसी भी गैल्वेनोमीटर में 30 डिवीजन ही रहते हैं? मैक्सिमम में रहेंगे, जो आपके स्कूल में आए जाते हैं उसमें तो 30 डिवीजन ही रहते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आप स्केल बनाना चाहते हो, आप एक बनाना चाहते हो, क्वेश्चन तो कैसा भी दिया जा सकता है, तो मान लीजिए मैं आपसे बोलूं n इज द नंबर ऑफ डिवीजन एंड IG इज द नंबर ऑफ करंट corresponding to full scale deflection। तो आप यहां से एक चीज निकाल पाओगे, क्या ध्यान देना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। अगर पॉइंटर कौन से, मान लीजिए 60 डिवीजन है, तो 60th डिवीजन पे जैसे ही अटकेगा जाके तो वो क्या मेजर करवाएगा आपको, करंट corresponding to full scale deflection। तो nth डिवीजन पे जो करंट मेजरमेंट आएगा, करंट जो आप मेजर कर पाओगे वो क्या होगा, IG। ये चीज समझ में आई मैंने क्या बोला? यस सर। तो पर डिवीजन पे बताएगा कोई कितना कर पाएगा? IG अपॉन n, IG बाय n, ठीक है ना। तो ये जो IG बाय n है इसको क्या बोला जाता है, ध्यान देना, इट इज करंट पर यूनिट डिवीजन बोला जाता है। मतलब पॉइंटर अगर जीरो से एक पे आया तो वो कितना करंट मेजर करके देगा, कितना करंट मेजर करवा लेगा। और ये निकालना बहुत इजी है, जैसे मैं आपसे बोलूं कि 60 डिवीजन है और IG जो ये मैक्सिमम करंट मेजर कर सकता है वो है 2 एम्पियर, तो आप झट से अब आप एकदम बता दोगे कि करंट पर डिवीजन पे कितना करंट मेजर करेगा, तो आप क्या बोलोगे, 2/60, दैट इज 1/30। बस हो गया मेरा काम। इसी को करंट पर यूनिट डिवीजन बोला जाता है और इसी को एक और नाम दिया जाता है जिसे बोलते हैं हम फिगर ऑफ मेरिट, ये याद रखो। करंट पर डिवीजन भी बोला जाता है और इसे ही को क्या बोला जाता है, फिगर ऑफ मेरिट ऑफ गैल्वेनोमीटर, नाम है ये, ठीक है। तो कंफ्यूजन ही होना है कि ये क्या बता दिया है। जब भी आपसे बोला जाए कि फिगर ऑफ मेरिट ऑफ गैल्वेनोमीटर निकालो या फिगर ऑफ मेरिट निकालो, तो आपको कुछ नहीं करना, आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि सर आप यही पूछ रहे हो ना, एक डिवीजन पे कितना करंट मेजर करता है। हाँ बता सकता हूँ, क्या बताओगे आप, आप बोलोगे कि सर मुझे ये बता दो कि IG कितना और नंबर ऑफ डिवीजन कितने, मैं बता दूंगा। समझ में आ गया कि नहीं आया? यस सर। हाँ अब बहुत ये अच्छा सवाल है कि सर इसमें और करंट सेंसिटिव का डिफरेंस एक बार बता दो। ठीक है चलिए, करंट सेंसिटिविटी होती है कि, करंट सेंसिटिविटी का मतलब होता है कि यूनिट करंट जब फ्लो कर रहा है तो कितना एंगल पॉइंटर रोटेट करेगा, यूनिट करंट फ्लो जो कर रहा है। देखिए ध्यान से समझना है, समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या बता रहा हूं, इसी स्केल से समझा देता हूं।
यहां पे देखोगे तो 0 से 10 माइक्रो एम्पियर के बीच में 10 स्केल है ऐसे, ठीक है, समझ में आया, 10 स्केल है। तो जब ये 0 से 1 के 1 तक जाएगा, जब ये पॉइंटर 0 से 1 जाएगा तो कुछ एंगल रोटेट करेगा कि नहीं, थीटा एंगल रोटेट करेगा कि नहीं, हाँ कर रहा है ना। और यहां पे जो ये जो रीडिंग देगा, अगर ढंग से देखोगे तो आपको पता चल रहा है ये रीडिंग देगा 1 माइक्रो एम्पियर। तो ध्यान से समझना इस चीज को कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पे अगर ये रोटेट करा, मान लीजिए 0 से 1 डिवीजन तक जो एंगल है, जो बीच में एंगल है वो है 1 डिग्री। अब एंगल तो कुछ भी हो सकता है, ये तो मैं बोल रहा हूं, ठीक है ना, 1 डिग्री है। तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे क्या बोलोगे, आप बोलोगे 1 डिग्री पर माइक्रो एम्पियर। ये है आपकी करंट सेंसिटिविटी, नॉट आईजी, करंट सेंसिटिविटी आईएस। ये है करंट सेंसिटिविटी। लेकिन फिगर ऑफ मेरिट क्या है, फिगर ऑफ मेरिट क्या है, फिगर ऑफ मेरिट क्या है कि एक डिवीजन में कितना करंट मेजर करता है, एक डिवीजन में कितना करंट मेजर करेगा, समझ में आया कि नहीं। ठीक है, दोनों में क्या आप रिलेशनशिप है ये भी मैं बता दूंगा, ऐसा नहीं क्वेश्चंस में ही बताऊंगा, क्वेश्चंस में ही करवा दूंगा बैटरी है, ठीक है ना। यहां तो आप देखो एक एक चीज बता रहा हूं, अब तो आप क्वेश्चन अगर ये चीज समझ ली तो क्वेश्चंस कुछ है ही नहीं, इनमें कुछ बचता ही नहीं है, तो ये समझ लो इस चीज को, ठीक है। तीसरी चीज होती है जिसे हम बोलते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी। अब वोल्टेज सेंसिटिविटी जनरली मैक्सिमम केसेस में यूज नहीं होती, लेकिन कई केसेस में यूज हो जाएगी, इसे वीएस से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब होता क्या है, जब करंट फ्लो करता है, करंट जैसे ही आप फ्लो करेगा किसमें जा रहा है, करंट कॉइल में जा रहा है, ठीक है, तो कॉइल्स के दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। कितना आएगा तो वो भी आप निकाल सकते हो, क्या आएगा देखिए, आई इंटू आर जी, कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, आई इंटू आर जी। आई क्या है, करंट फ्लो कर रहा है, और आर जी यहां पे क्या होगा, आर जी यहां पे क्या है, वैसे वोल्टेज सेंसिटिविटी में बताऊं आपको कहां यूज होगी, वोल्ट मीटर में यूज होती है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर को आप वोल्ट मीटर की तरह भी क्या बोलते हैं यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन फिर मैं ये तभी बताऊंगा जब मैं वोल्ट मीटर करवा रहा कि कैसे आप यूज करोगे, ठीक है, अभी मैं बताने नहीं चाहता, मैं सिर्फ अभी फॉर्मूला बता देता हूं, ठीक है। तो जैसे यूनिट अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करवाने पे पॉइंटर कितना रोटेट कर रहा था, ठीक है, कितना रोटेट कर रहा था, वो क्या थी, करंट सेंसिटिविटी, वैसे ही वोल्टेज सेंसिटिविटी हो सकती है। वोल्टेज सेंसिटिविटी होगी क्या कि जब आप इसमें करंट फ्लो करवाओगे, करंट फ्लो करवाओगे, आई करंट फ्लो करवाया, ठीक है, तो जो जो कॉइल है, कॉइल के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, आई आर जी, वेर आर जी इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, इनटू थीटा, बाय थीटा, थीटा ऊपर आ जाएगा। लेकिन फिर मैं बता रहा हूं ये इसका जो काम है ये कहां पे आएगा, ये बेसिकली यूज होगा जब आप गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर के फॉर्म में कन्वर्ट करवाना चाहते हो, यूज करना चाहते हो इसे। तो इसका मैं यहाँ पे सिर्फ मैं इतना ही बता देता हूँ, ठीक है, जब मैं आपको वोल्ट मीटर बताऊंगा तब वहां पे बहुत अच्छी तरीके से क्लियरिफाई करूंगा ये कैसे आप गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, या गैल्वेनोमीटर को ही वोल्ट मीटर के फॉर्म में यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अभी फिलहाल इतना ही बता सकता हूँ, ठीक है ना, इतना ही बता देता हूँ, इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इससे एक चीज और पता चलती है कि थीटा बाय आई क्या था, आई एस, करंट सेंसिटिविटी। तो करंट सेंसिटिविटी को अगर आप गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस से डिवाइड करते हो तो आपको वोल्टेज सेंसिटिविटी पता चल जाती है, ठीक है, बात समझ में आई मैं क्या बोल रहा हूं।
यस समझ में आए क्या है? तो वोल्टेज सेंसिटिविटी और करंट सेंसिटिविटी पता है तो आप क्या निकाल पाओगे? रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, ध्यान देना, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर निकल जाएगा, ठीक है? तो ये चीज आपको ध्यान देनी, ठीक है? बाकी इसमें क्या है, ज्यादा कुछ बताने वाला है नहीं, ये मैं तभी बताऊंगा वहीं पे ज्यादा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करा सकता जब मैं वोल्टमीटर आपको बताऊंगा, अभी वोल्टमीटर बताने वाला हूं कि कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है? तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है? ठीक है, तो तीन चीजें मैंने आपको बताई, करंट सेंसिटिविटी बता दी, ठीक है, और करंट कॉरेस्पॉन्डिंग टू फुल स्केल डिफ्लेक्शन बता दिया, ठीक है, और वोल्टेज सेंसिटिविटी बता दी, ठीक है? अच्छा, एक चीज और मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपको करंट फिगर ऑफ मेरिट पता है तो आप हमेशा आईजी निकाल पाओगे। कैसे निकाल पाओगे, ध्यान देना, इसे के से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है कई बार, स्मॉल के से, ठीक है? इसे थोड़ा सा नीचे डाल देता हूं। अगर आपको फिगर ऑफ मेरिट पता है तो ध्यान देना आपको क्या पता है, आईजी पता है। कैसे पता है, ध्यान देना, एन टू एन फिगर ऑफ मेरिट को आप किससे मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ डिवीजन से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि फिगर ऑफ मेरिट आपको क्या देगा, एक डिवीजन पे वो कितना करंट मेजर कर पा रहा है गैल्वेनोमीटर, और आपको नंबर ऑफ डिवीजन पता है तो मल्टीप्लाई कर देना, आपका काम आ जाएगा, आपको आईजी पता चल जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ठीक है? इस तरीके से बनाया जाता है और इस तरीके से चीजों को मेजर किया जाता है, ठीक है? न्यूमेरिकल जब करवाऊंगा तो इसमें एक एक चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी, ठीक है? चलिए, अब आपको मैं बताता हूं कि कन्वर्जन कैसे किया जाता है। जैसे 5 मिनट ही बचे हैं तो, लेकिन मैं आपको सिर्फ उसका कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, कैसे आप मेजर करोगे, कैसे आप कन्वर्ट करते हो, और ये एक्सपेरिमेंट है आपके सिलेबस में तो आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। एमीटर की खास बात क्या होती है, अगर मैं आपसे बोलूं एमीटर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर जो होता है वो होता है जो कम करंट मेजर कर पाता है। अगर आपको कहीं पे माइक्रो एम्पेयर में करंट फ्लो कर रहा है तो आप गैल्वेनोमीटर से मेजर कर सकते हो, ठीक है ना? बहुत कम करंट जो है वो कभी भी एमीटर से मेजर नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि जो एमीटर है उसके डिविजन्स बहुत बड़े होते हैं, ध्यान देना, ऐसे रहते हैं, 0, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, ऐसे रहेंगे, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, ये पॉइंटर है। अब इमेजिन करो कि अगर इसके बीच में 10 डिवीजन है, कौन मुझे बताएगा टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितने हो जाएंगे? 50? अरे समझ में आ रहा है क्या? यस सर, 50 हो गए नंबर ऑफ डिवीजन। और ये मैक्सिमम करंट कितना मेजर कर सकता है, इसका आईजी क्या है? आईजी मतलब जो मैक्स, यहाँ पे आईजी नहीं होगा, यहाँ पे आईजी नहीं होगा, ठीक है ना? क्योंकि ये क्या है, एमीटर है। तो मैं अगर आपसे बोलूं ये मैक्सिमम कितना करंट मेजर कर सकता है तो आप क्या बोलोगे? 5। तो आप झट से क्या बता दोगे, इसका फिगर ऑफ मेरिट बता दोगे। फिगर ऑफ मेरिट कितना है? 5/50। हाँ, तो ये कितना कर रहे हैं, 0.1 एम्पियर पर मीटर पर डिवीजन। अब इमेजिन करो कि अगर इस एमीटर में 1 माइक्रो एम्पियर करंट फ्लो करे, बताइए अगर मैं आपसे बोलूं कि ये कितना मूव करेगा, तो आप बोलोगे सर ये तो मूव ही नहीं करेगा। 1 डिवीजन तब मूव करता है जब कितना, 0.1 एम्पियर करंट फ्लो करता है इसमें। बात समझ में आ रही है? यस। अरे इसका फिगर ऑफ मेरिट कितना है, 1 डिवीजन, एक डिवीजन में कितना मेजर करेगा, 0.1 एम्पियर। तो इसका मतलब ये है कि अगर इसमें एक डिवीजन 1.1 एम्पियर करंट फ्लो कराया जाए इस एमीटर में, तो ये कितना डिवीजन, इसका पॉइंटर कितने डिवीजन पे पहुंच जाएगा, एक डिवीजन पे पहुंच जाएगा, फर्स्ट डिवीजन पे। लेकिन सोच ये करंट कितना है, ये कितना है जरा बताएगा कोई? ये तो इतना कम करंट है
कि अगर ये करंट फ्लो भी करवा दिया जाए तो उसका पॉइंटर तो जीरो पे अटका रहेगा। यस सर। अब आप बोलोगे कि नहीं सर 30 करवा दो। अरे तो 30 क्या होता है, 30 कुछ भी नहीं है, देख लो कितना है 30 इसके मुकाबले में, 0.1 के मुकाबले में ये कितना है, कुछ भी नहीं है। तो अभी भी अगर ये करंट भी आपने फ्लो करवा दिया इसमें एमिटर में, तो भी इसका पॉइंटर कहाँ अटका रहेगा, जीरो पे। मतलब ये मेजर ही नहीं कर पाएगा करंट एमिटर, इसलिए बहुत कम जो करंट होते हैं उन्हें कभी मेजर नहीं कर पाता। बात समझ में आई मैंने क्या बोला? यस सर। सो एमिटर यूज किया जाता है जहां पे बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा होगा, 1 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर वहां यूज किया जाता है। गैल्वेनोमीटर कहाँ यूज किया जाता है? गैल्वेनोमीटर यूज किया जाता है जहां पे बहुत कम करंट फ्लो कर रहा होता है, माइक्रो एम्पियर्स। ठीक है, तो कैसे कैसे बनाया जाता है एमीटर, एमीटर कैसे बनाया जाता है? तो ध्यान देना, गैल्वेनोमीटर में कुछ चेंजेस किए जाते हैं। अगर गैल्वेनोमीटर में ही कुछ चेंजेस कर दिए जाएं तो गैल्वेनोमीटर एक एमीटर की तरह काम करना स्टार्ट कर देता है। तो इसमें सबसे पहला आ जाएगा कौन सा, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। चलिए ये अब नेक्स्ट क्लास में हो पाएगा, क्योंकि अगर मैं बताऊंगा अभी तो अब टाइम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में ही करता है। ठीक है, इस चीज को, ये काफी इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा इसे। ठीक है दोनों, चलिए थैंक यू। थैंक यू सर। ओके।